Salam Khafti Nazraz, welcome back to the 372nd episode of Thought Behind Things. Today is the 11th of October and aaj ki bahut hi exciting conversation hai with Malik Amin Aslam. He was a former minister or the advisor to the Prime Minister on climate change. He was the one who wrote the entire policy statement on climate change and jo ye sari ki sari billion tree tsunami, then 10 billion tree tsunami, then you know couple of other major projects. We spoke about that in detail. Obviously inka ek political background bhi hai, so we did venture into the political side of things in a larger sort of governance and policy and us wale framework ke andar, but largely obviously we focused on climate change and पर्टिकुलरली पाकिस्तान में हम इलेक्ट्रिक कार्स कब और कैसे बना सकते हैं, पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं. इट्स इज फिनोमिनल अमाउंट ऑफ इनसाइट दैट ही वाज एबल टू प्रोवाइड. क्लाइमेट चेंज जनरली जब आप सुनते हैं तो एकदम से बोर आउट हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बात होगी क्या नहीं होगी. ट्रस्ट मी, देर इज अ लॉट ऑफ इनसाइट इन दिस कॉन्वर्जेशन. वन ऑफ माई फेवरेट्स दैट आई हैव डन रिसेंटली. अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा. अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. इट रियली हेल्प्स द एल्गोरिथम. अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन below. I read up all the comments and it really helps me improve the quality of conversation. Agar aap overseas Pakistani hai to I would request you to check out the link down below. We have a Stripe link there. You can support the channel. It really helps us stay independent for as long as possible. So you can check that out as well. But anyways, now this is Malik Amin Aslam on TBT Islamabad Studio. अमीन साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल. सर पहले मैं कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करूँगा थोड़ा सा, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर वर यू बॉर्न एंड अर्ली लाइफ आपने कहाँ पे गुजारी? आई वाज बॉर्न कराची एंड अर्ली लाइफ जो थी मेरी लाहौर में गुजरी, बिकॉज माय पेरेंट्स शिफ्टेड टू लाहौर और फ्रॉम अटक, यू नो वेयर माय पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी इज इन माय विलेजेस. और लाहौर के अंदर आई वेंट टू एचएन और माय सिस्टर्स वेंट टू स्कूल इन लाहौर आल्सो. तो एक 10-12 साल का एक टेन्योर था जो कि हमने लाहौर में गुजारा. व्हाई डिड यू गाइस मूव टू लाहौर? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन. अच्छा. प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एजुकेशन. राइट. एंड योर फादर वाज अ बिजनेसमैन? माय फादर वाज अ पॉलिटिशियन जी. एंड ही वाज 1970s में यू नो नेशनल असेंबली पे इलेक्शन वो लड़ते थे और पीपल्स पार्टी में थे. राइट. एंड सो यू नो दैट टेन्योर फ्रॉम 1970 टिल 1984. राइट. वी वर इन लाहौर, बेस्ड इन लाहौर एंड आई वाज गेटिंग एजुकेटेड. आई वेंट इनटू क्लास 1 टू एचएन एंड देन फिनिश्ड एचएन इन 1984. हाई स्कूल तक? हाँ, हाई स्कूल पूरा किया, इंटरमीडिएट, एंड देन आई वेंट टू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन लाहौर. कौन सी? यूईटी. अच्छा, वहाँ से क्या? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर. हाउ वाज दैट? बिकॉज आई रिमेंबर व्हेनेवर आई स्पीक टू समवन जो कि 80s में यूईटी ग्रेजुएट है, वो कहते हैं यार उस टाइम पे बस यूईटी. यूईटी वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, बिकॉज यू नो वो जमाने में पॉलिटिकल यूनियंस थी, स्टूडेंट यूनियंस थी और बॉयकॉट्स हो रहे थे और यू नो बड़ी एक्टिव वो यूनियंस होती थी. कई बार मुझे याद है हम इम्तिहान देने जाते थे तैयारी करके और वो पता लगता था जी बैठे हैं तो बॉयकॉट हो गया जी, इम्तिहान नहीं देना. अच्छा. उस वक्त बड़ी खुशी होती थी, बट दी एंड रिजल्ट वॉज के वो जो 4 साल का कोर्स था वो 6 साल में कंप्लीट हुआ. राइट. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग थ्रू इन 1988 आई गॉट थ्रू इन 1990. वो पूरा हमारा बैच ही 2 साल डिले हो गया था. अच्छा. बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो कि हो रही थी. उसके बाद फिर वो यूनियन शूनियन मैं तो बैन हो गई, फिर थोड़ा सा माहौल ठंडा हो गया था. बट यू वर कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली योरसेल्फ, डिड यू पार्टिसिपेट इन द यूनियंस एज वेल? नहीं, आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव इन द यूनियन इन द यूनिवर्सिटी. वो बड़ी एग्रेसिव और बहुत बेलिजरेंट किस्म की पॉलिटिक्स थी और वो यूनियन पॉलिटिक्स में फिर पढ़ाई कम ही होती थी. अच्छा. फिर यूनियन पॉलिटिक्स ही करते थे. एक यूनियन पॉलिटिक्स होती है ना जो हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेट्स होती हैं, सारा कुछ होता है. मेरे वाले साहब इज 6 डेज यंगर देन पाकिस्तान, तो उन्होंने 70s आई थिंक 60s में लेट 60s एंड 70s में यू नो कॉलेज वगैरह किया है. वो बड़ी एक मुख्तलिफ यूनियन बताते हैं. वो कहते हैं यार डिबेट्स होती थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इधर उधर और बड़ा जैसे कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल एक डिफरेंसेस के ऊपर वो होता था. वर दीज यूनियंस सिमिलर एंड इफ नॉट व्हाट लेड टू द ब्रेक डाउन ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल कोर ऑफ द यूनियन सिस्टम? आई थिंक वो जो यूनियन सिस्टम था ना इट गॉट डीजनरेटेड ड्यूरिंग द 70s. Okay. जो स्पेशली जब पीपल्स पार्टी का वो दौर था उस ज़माने में
दे गॉट एम्पावर्ड, यू नो उनको बहुत पावर दे दी गई थी बिकॉज द पोलिटिकल पार्टी जो उस वक्त थी पीपल्स पार्टी, इट वॉज ड्राॅइंग इट स्ट्रेंथ फ्राम दैट यूथ जो कि यूनियंस में थी, एंड दे स्टार्टेड दैन, और फिर दूसरी तरफ जमीयत थी जो जमात इस्लामी की पोलिटिकल विंग थी, दे वर द मेन सॉर्ट ऑफ यूनियंस एट दैट टाइम, और बाद में फिर वो एम एस एफ जो कि मुस्लिम लीग की थी वो उसमें आई फ्रेम में, बट वो फिर दे स्टार्टेड गेटिंग used by the political parties as fodder, I think I would say. और वो that's what derailed the whole process. वो जो एक intellectual debate थी और वो जो एक process था जिसके ज़रिए आप बैठ के you could have different views but you could sit down and talk and you know thrash things out and come to some sort of an agreement, वो ख़त्म हो गया. लोगों की जो एक बहुत powerful हो गई जो government में थी, they could do anything, get away with anything. पढ़ते नहीं थे और प्रोफेसर्स के पास जाते थे, कहते हमें पास कर दें, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग स्टार्टेड हैपनिंग. और वो फिर व्हेन इट बिकेम अ पॉलिटिकल टूल फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, दैट्स व्हेन इट गॉट डीजनरेटेड. इसमें से कई लीडरशिप भी निकली, कई हमारे यू नो व्हेन आई लेटर बिकेम एन एमएनए तो हमारे नेशनल असेंबली में कई ऐसे लोग थे जो कि उस जमाने में पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द यूनियंस होते थे, सो इट वॉज अ गुड नर्सरी इन दैट सेंस कि वो एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग आपको देती थी. लेकिन उसका देयर वाज अ बैड साइड टू इट आल्सो, अ डार्क साइड, एंड दैट्स व्हाई इट गॉट बैंड. उसके बाद फिर वो बैन ही चलता रहा. राइट. दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है. अब आप घर बैठे एक मोबाइल फोन से पूरी दुनिया में किसी किस्म की भी डिफरेंट एसेट्स, स्टॉक्स या इवन क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं. जहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आया वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि इकॉनमी एक ऐसी जगह पर पहुँची हुई है कि बड़े आजकल बुरे हालात हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सेविंग्स हमारी डिप्लीट हो रही हैं, ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं हैं, और जो करते भी हैं वो 90% लॉसेज अनफॉर्चुनेटली बनाते हैं. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है sarmaya.pk, जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है, जिससे आप पूरी दुनिया की मार्केट्स, खासकर पाकिस्तानी मार्केट्स को बआसानी देख सकते हैं. अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू टू चेक आउट सरमाया फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म. इट्स अ रिमार्केबल प्लेस जहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग यू नो रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट के एडवाइस भी मिलती है, और खासकर उनकी ट्रेनिंग्स जहां पर उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज और एसेट्स के अंदर ट्रेड करके पैसे कमाना सिखाते हैं. सो चेक आउट द प्लेटफॉर्म एंड चेक आउट देयर ट्रेनिंग्स. नाउ बैक टू द पॉडकास्ट. डिड यू हैव एनी पॉलिटिकल एम्बिशंस एट द टाइम व्हेन यू वर ग्रेजुएटिंग एज अ यंग स्टूडेंट और अ यंग फ्रेश ग्रेजुएट? आपने सोचा था कि यार ये खप ही है, माइट एज वेल डू समथिंग मोर ऑन द टेक्नोक्रेटिक साइड ऑफ थिंग्स. यानी खप वाला तो वो इशू था, लेकिन दूसरी तरफ यू नो माय फैमिली हैज बीन इन पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. राइट फ्रॉम माय ग्रेट ग्रैंडफादर हम लोग इस एरिया को सर्व करते रहे हैं, सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज बीन ऑन माई शोल्डर्स के जो कुछ आप मैं कर सकता हूँ अपने इलाके के लिए वो जरूर करूँ जाके. और पॉलिटिक्स आपको एक अच्छा पाकिस्तान में फोरम प्रोवाइड करती है. यू कैन डू अ लॉट विदाउट पॉलिटिक्स ऑल्सो, बट पॉलिटिक्स प्रोवाइड्स यू अ गुड यू नो कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप इलाके को डिलीवर कर सकते हैं. हाँ, मतलब दिमाग में मेरे था, दो सीट्स वर देयर, एंड देन आई वाज पार्ट ऑफ माय फादर्स पॉलिटिकल, लेट फादर्स पॉलिटिकल कैंपेन आल्सो. 1977 में भी मुझे याद है जब भुट्टो साहब की कैंपेन थी तो ही वाज कंटेस्टिंग, फिर 79 में इलेक्शन हुआ, फिर देन 85, 88, 90, सो ऑल ऑफ दोज इलेक्शंस I used to campaign for him also. Right. So I used to assist him in the campaign. तो वो फिर उसमें you get used to you know the people, लोगों की आपके साथ शनासाई बन जाती है और you know एक अच्छी रेपो बन जाती है एरिया के अंदर. Right. So you graduated in 90 in electrical engineering. जी. और उसके बाद आपने क्या किया? Electrical engineering मैंने किया, but वो UAT का जो मेरा, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो चार का जो छः साल हुआ तो I got off engineering. अच्छा. मुझे लगा कि यार ये फील्ड, I was good in maths, so you know engineering was natural for me. I could, मैंने कहा वो आसानी से लिया था, and I got you know good grades in that. But I thought I need to move away from this and कुछ और थोड़ा सा वाइड करने की ज़रूरत है. So फिर मैंने MBA choose किया in development finance. Right. And I went to McGill University in Canada. Development finance, what does that mean? Development finance means के ये जो आपकी एक तो फाइनेंस होती है ना जो मुल्क की होती है, डेवलपमेंट फाइनेंस जो आपके MDBs हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, हाउ डू दे डील विद डेवलपिंग कंट्रीज़, और इनके ज़रिए आप कैसे अपनी डेवलपमेंट को बेहतर कर सकते हैं, सो दैट एंगल कम्स इनटू इट आल्सो. राइट. और उसमें ज़रा मैक्रो लेवल पे चले जाते हैं आप ज़्यादा,
it always helps you in understanding what's happening, especially पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हम फंसे हुए हैं इस डेट ट्रैप के अंदर. सो वो मैंने 2 साल किया उसमें. सो उसमें आपका यू लर्न अबाउट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग MBA के अंदर, बट यू ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ दिस एंगल ऑपरेट्स. सो दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट फाइनेंस. और वो मिगेल उस वक्त वहाँ पे बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट था. उस पर बड़े अच्छे प्रोफेसर थे जो कि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च करते थे. कैसा रहा आपका वो प्रोग्राम अगर फी वो बहुत अच्छा. यू नो आई स्पेंड 2 years ओवर देयर एंड इट वाज अ रिमार्केबल प्रोग्राम. इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. मॉन्ट्रियल इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. और फिर वो एनवायरनमेंट बड़ी रिलैक्स है. गोइंग फ्रॉम UAT इट वाज द डायमेट्रिक ऑपोजिट के सब हर चीज़ बड़े सुकून के साथ पढ़ाई होती थी वहाँ पे. So it was a very different experience in a different world actually. And when did you graduate from that? वहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया था जी 93 में. अच्छा. एंड यू नो देन आई केम बैक. और फिर मैंने काम किया कुछ अर्सा यहाँ पे. एक PPIB बनाया गया था उस ज़माने में. IPPs लग रहे थे. सही. जो आज हमारे गले का तोक बने तो वो उस ज़माने में लग रहे थे. तो उस वक्त उनका मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब मैंने वहाँ पे की थी. अच्छा. सो उस वक्त भी मुझे बड़ा अजीब लगता था. और एक बार मुझे याद है मैं वो आई यूज़ टू डू द फाइनेंशियल वर्किंग ऑफ द IPPs के वो टैरिफ क्या है और वर्क बैकवर्ड्स और सारा. वो मैं एक दिन बैठा हुआ मेरे वो कैलकुलेशन जब की तो मैंने कहा यार ये जो टैरिफ हम दे रहे हैं इनको इफ़ यू वर्क बैकवर्ड्स तो वो तो इसी तरह है कि जिस दिन आपने प्रोजेक्ट लगाया अपना तो उस दिन सारा पैसा आपका वापस आ गया. एंड यू नो बिकॉज वहाँ पर जो द कॉस्ट ऑफ द टैरिफ वॉज हाई और जो इनपुट्स उसकी इसमें आप डालें देवर लो और वो इनपुट्स जो IPPs थी वो ज़्यादा दिखाती थी. मतलब ओवर इन्वॉइसिंग करती थी. ओवर इन्वॉइस करके जब वो डालती थी तो वो उनको लोन मिल जाता था. मतलब 5 रुपए की चीज़ खरीदी मार्केट से. हाँ. उसकी जगह वो 10 रुपए की दिखाई तो लोन आपको 10 रुपए का मिल गया. टैरिफ भी आपने 10 रुपए के प्राइस पे ले लिया. सो जो आपको पे बैक आना है वो 10 रुपए के प्राइस पे आना है बट आपने लिया तो 5 रुपए का हुआ है. Right. तो वो जब आप उसकी कैलकुलेशन करते थे तो वो इसी तरह था कि वंस यू गेट दैट IPP लाइसेंस इन योर हैंड एंड यू सेट अप दैट प्रोजेक्ट तो एज सून एज दैट प्रोजेक्ट इज सेट अप तो वो जो चीज़ आपने एक्चुअली 5 रुपए की ली है और आज जिसको आपने 10 रुपए पे कॉस्ट किया है उसका लोन 10 रुपए पे लिया और फिर तो वो जब आपको लोन मिलता था तो 5 रुपए तो आपके पास वापस जेब में फौरन आ जाते थे. राइट. सो यू नो इन सिंपल टर्म्स इट वाज अ विन विन अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर बट अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान. एंड दीज आर मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टर्स. दीज आर फॉरेन इन्वेस्टर्स. वो तक उससे पहले वापडा लगाया करता था ये. Right. सारे प्रोजेक्ट्स. और आई रिमेंबर वापडा के लोग हमारे पास उस वक्त आते थे और वो ये कहते थे कि जी हम ये काम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं. अच्छा सस्ती बिजली दे रहे हैं और हाइडल दे रहे हैं. तो आप क्यों इस तरफ जा रहे हैं. वो लोड शेडिंग उस ज़माने में हो रही थी. Right. लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आप इतने ज़्यादा IPPs को कर लें. और फिर उसमें द अदर डेंजरस थिंग वॉज कि आप लॉक इन हो गए फॉर 30-year पीरियड. तो 94 में जो प्रोजेक्ट्स लगे वो आप 2024 में जाके और 25 में जाके उनकी जो पेमेंट्स हैं वो खत्म होंगी. कितने कोई परसेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको लगता है मतलब कोई इज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट दैट्स गोइंग टू हैपन फाइनली होपफुली. हाँ आई थिंक इंपैक्ट जरूर होगा वंस यू पेड ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स. वो होगा 2024-25 में दैट इज गोइंग टू हैपन. उसमें कुछ के साथ रीनिगोशिएशन करके उनका टर्म बढ़ा दिया गया है तो वो अभी तक उस पर आप फंसे रहेंगे. और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट थे वो फ्रंट एंड लोडेड थे. मतलब पहले सालों में आप उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट दे रहे थे देन इट यूज़ टू यू नो गो डाउन. सो आई थिंक ये 2024-25 में जाके ईज ऑफ हो जाएगा पाकिस्तान के वो जो IPPs का प्रेशर है जिसकी वजह से हम ये हर वक्त ये एनर्जी एक यू नो साइकिल में फंसे रहते हैं कि इट्स ऑलवेज देयर ऑलवेज मोर इलेक्ट्रिसिटी देन द डिमांड. जो चूंकि उस टाइम के ऊपर एक सर्टन लगे अब माई अंडरस्टैंडिंग इज नॉट एज सिंपल एज के बस वो 94-95 में लगे और वही बस हैं. क्योंकि माई अंडरस्टैंडिंग इज आपने एक दफ़ा जब ऑफर कर दिया तो उसके बाद लेट से 2014-15 में जो लगे उन्होंने भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की बेसिस के ऊपर अपने आपको ओवर सेल किया. डू यू थिंक इवन जो बाद के IPPs हैं उनमें भी ये मसाइल हैं या डू यू थिंक उसमें हमने काफ़ी कम हैं थोड़े बिकॉज आई थिंक उसके बाद जो जब गवर्नमेंट आई थी तो 97 में ही जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो उस वक्त समझ रियलाइजेशन हो गई थी कि इनको ठीक करने की जरूरत है. बट दूसरी रियलाइजेशन ये थी कि यार इस पर पैसे बनते हैं तो यही काम कितनी जाओ. वो भी हुआ कि यू नो वो उन्होंने उससे भी कई जो थे वो कॉस्ट प्लस पे लगे. कॉस्ट प्लस ये होता था कि व्हाटएवर योर कॉस्ट इज आप हमें बताओ और उसके बाद 18% हम आपको
रिटर्न इन्वेस्टमेंट देंगे. Right. इस तरह हबको का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, वो इस पर लगा हुआ है. उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स आए वो फिर एक फिक्स टैरिफ पे लगे, और उसमें ये था कि आप मशीन 2 रुपए किलो या 10 रुपए किलो को आपको 6.5 सेंट्स मिल रहे हैं पर किलोवाट आवर. सो देर आर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मॉडल्स, पर इनमें फिर हमने ये किया कि वो कैपेसिटी पेमेंट्स उनकी फिक्स कर दी. सो उसमें लॉस का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था ना. हाँ. कैपेसिटी पेमेंट ये थी कि आपका प्लांट चले या ना चले, आपसे बिजली हम लें या ना लें, आपको हमने ये 60% ऑफ योर पेमेंट जो है वो हमने देनी है. बट एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट माय अंडरस्टैंडिंग है कि ये सारे सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक एंड यू नो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं IMF टाइप की, इनकी भी इनपुट्स आ रही होती हैं. एंड माय अंडरस्टैंडिंग वाज कि लॉट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इनहेरेंटली सपोर्ट हार्डकोर कैपिटलिज्म. पाकिस्तान का एनर्जी का जो सिस्टम सेटअप हुआ है आज तक, वो तो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है ना. उसमें तो कोई है ही नहीं कि यार फ्री मार्केट है, प्रॉफिट और लॉस में आके खेलो. वॉज देयर नॉट ए काउंटर पुशबैक? देखिए, उस वक्त जो एक बहुत बड़ी आर्गूमेंट दी जाती थी वो ये थी कि द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनमेट डिमांड इज वेरी हाई, कि अगर आपके लोग चाह रहे हैं कि बिजली मिले उनको, और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं थी और उनको आप बिजली नहीं दे रहे, तो वो आप एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को सप्रेस कर रहे हैं ज़बरदस्ती, और उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट निकाली हुई थी. और वो आर्गुमेंट ये देते थे कि जी ये जो है ये इतनी ज़्यादा कॉस्ट है कि इसकी वजह से आप अगर आप 6.5 सेंट पे भी दे दें तो वो फीजिबल है आपको, कि कम से कम बिजली तो होगी आपकी. लेकिन आई थिंक इन हाइंडसाइट वी हैव रियलाइज्ड कि दैट वाज नॉट राइट. और जो आप बात कर रहे हैं कि दे शुड हैव ओपन अप द मार्केट, कि आप लगाओ प्लांट, लेकिन गवर्नमेंट शुड नॉट हैव बीन देयर टू यू नो गिव सॉवरन गारंटीज और कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि पाकिस्तान में नहीं, कोर्ट्स में नहीं, बाहर के इंटरनेशनल कोर्ट्स में एप्लीकेबल हैं सारे. और उनको इस तरह की गारंटीज हमने दी कि उसके अंदर गवर्नमेंट फंस गई, एज द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान फंस गई. दे शुड हैव बीन यू नो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर जो देखते कि भाई अगर मार्केट में नीड है तो हम आके लगाएंगे, और अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बिजली हम सस्ती दे सकते हैं या ऐसी प्राइस पर दे सकते हैं कि कंज्यूमर खरीद सकता, तो हम उसको वहाँ पे चलाएंगे. और बाकी मुल्कों में ऐसे ही होता है. Right. और रेगुलेटर एक होता है, वो चेक करता है इसको कि आप काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. इस चीज़ में तो आई थिंक वी वेंट ओवरबोर्ड. कैपेसिटी पेमेंट्स एंड ऑल ऑफ दिस, बहुत सारे मसाइल हैं ना. एक क्या आपने कहा कि जी IPPs के प्रोजेक्ट्स के अलग मसाइल थे, फिर आगे कैपेसिटी पेमेंट्स वाले लगे. वॉट ईयर डू यू थिंक जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यार ये सब हम फाइनली विल बी ऑफ ऑफ ऑल ऑफ दिस? मेरे ख्याल में 2024 तो इज गोइंग टू बी अ मेजर ईयर, क्योंकि उसमें 94 में बहुत सारे प्लांट्स लगे थे, 94-95 में. आई वुड से दैट बिटवीन 2024 to 2026 लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विल क्लीन अप. एंड उसके बाद देखें ना, पाकिस्तान की हाइड्रो डेवलपमेंट बिल्कुल रुकी, विच वॉज अ रियली क्रिमिनल एक्ट. उस वक्त तक हम डैम्स बना रहे थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. ओनली प्रोजेक्ट जो लगा उसके बाद वो गाजी ब्रोथा का हाइड्रो प्रोजेक्ट था, और अल्लाह का शुक्र है कि वो लग गया. मेरा तो वो हल्के में है सारा, लेकिन वो उसके लगने से आपका एक 1400 मेगावाट का एक बड़ा ब्लॉक आता है जो कि आपको सस्ता मिलता है. राइट. अगर वो ऑफसेट कर देता है, वो थोड़ा कुछ ना कुछ ऑफसेट करता है. अभी ये पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे इतना ज़्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो का, अनमेट पोटेंशियल, कोई 50,000 मेगावाट हमारा जो इंडस कैस्केड जिसको कहते हैं, कि वो यू नो यू कैन हैव द डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ पे आप ये बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं और सस्ती प्रोड्यूस कर सकते हैं. उधर इस किस्म के एक ट्रैप में फंस जाना, तो ये यू नो पाकिस्तान को तो एक डेट ट्रैप में फंसाया गया है एक बड़े मंसूबे के तहत. और उसमें मंसूबे में हम भी शामिल थे, पाकिस्तान भी, गवर्नमेंट्स भी शामिल थी, और सक्सेसिव गवर्नमेंट शामिल थी, और हमारे जो ये इदारे जो पाकिस्तान को पैसे देते हैं वो भी शामिल थे इसके अंदर, ताकि पाकिस्तान अपने डिसीजन मेकिंग में कंस्ट्रेंड रहे. हाइडल जो अभी रिसेंटली आया है, इसमें से कौन कौन से लाइव हो जाएंगे अगले 5-6 सालों में? अभी तो टाइम लगेगा. आई थिंक भाषा डैम शुरू हुआ है. मैंने 2-3 बार उसका साइट भी विजिट किया है, और वहाँ पे काम हो रहा है. वहाँ पे काम हो रहा है उसका, जो एक्चुअली जो इंडस की मेन काम जो था वो इंडस की डाइवर्जन थी वो हो गई है. राइट. फिर आई थिंक नीलम जेलम का प्रोजेक्ट था, वो काफ़ी इशूज़ में फंसा रहा, बट आई थिंक वो अब शायद ऑनलाइन आने वाला है या आ गया है. फिर एक सुखी किनारी है, एक वो भी बन गया, अगर आप कागान कभी गए हो तो रास्ते में वो बन रहा है. आई थिंक वो भी ऑनलाइन आने वाला है बिल्कुल, क्योंकि उसका आई थिंक काम हो चुका है. तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ऑनलाइन. बट फिर यू नो एक दुनिया में एक वेव चली कि जी डैम्स आर नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट. राइट.
फिर वो वेव चेंज हुई 5 साल बाद जब क्लाइमेट चेंज आया इन द इक्वेशन, तो उन्होंने कहा यार डैम्स जो हैं तो जीरो कार्बन बिजली प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो ठीक है उनके वो रीलोकेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग सबमर्ज हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां चेंज हो जाती हैं, वो तो इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें और देखेंगे भाई इनका बेनिफिट जो कार्बन बेनिफिट ये दे रहे हैं आपको एज ज़ीरो कार्बन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा है राइट इन अ वर्ल्ड जो कि दुनिया में फंसा हुआ है क्लाइमेट चेंज के अंदर, तो अगेन दैट इक्वेशन चेंज्ड। तो आई थिंक पाकिस्तान का उसमें एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है कि आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दैट। इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी है यू नो फॉर पीसफुल पर्पजेज जो होती है एनर्जी की, वो एक सस्ती बिजली होती है, कार्बन फ्री बिजली होती है, और पाकिस्तान को वो परसू करनी चाहिए। हम कर भी रहे हैं, ये चश्मा के ऊपर 2-3 प्लांट्स लगे हैं, कैनूप के लगा है, बट आई थिंक मोर नीड्स टू बी डन। और उसमें हमें बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मुतासर तरीन ममालिक में है क्लाइमेट चेंज से, और हेयर इज़ अ सोलूशन जो कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक फ्रांस है जापान है उनकी जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी है वो इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लियर। मुझे बताएं तो जस्ट टू सॉर्ट ऑफ सर्कल बैक टू द 94 IPP प्रोजेक्ट्स, डू यू थिंक द गवर्नमेंट एट द टाइम एंड देन द गवर्नमेंट लेटर ऑन 2015-16 ड्यूरिंग सीपेक एज वेल, वाज इट नेग्लिजेंस, वाज इट इनकॉम्पिटेंस, और वाज इट कनाइवेंस जिसके तहत ये ऐसे डिसीजंस, रॉन्ग डिसीजंस ही कह सकते हैं इन हाइंडसाइट लिए गए। मतलब ऑब्वियसली एक एवरेज सिंपल माइंड तो कंस्पिरेसी थियरी ड्रॉ करते ना कि यार यू नो व्हाट ये तो बड़ी गेम हुई है, बट यू वर देयर एंड यू लाइक यू सेड देयर वाज अ रैशनल एट द टाइम एज वेल, एंड हाइंडसाइट पे बातें करना आसान होता है, उस टाइम के ऊपर आपको अगर कोई चीज़ बेची जा रही होती तो यू नेवर नो राइट। What was your experience? Why did the government do these, undertake these sort of incredibly, again in hindsight, criminally stupid decisions, right? Ani, I think usme thodi si logic to thi ke mulk mein bijli kam ho rahi thi, bapda itna efficient nahi raha tha, projects wo jo lagne chahiye the wo lag nahi rahe the, aur bahut sara Pakistan jo hai wo bijli mang raha tha, to ye ek need to thi wahan pe, to ye political need bhi thi. ये प्रोजेक्ट जल्दी लग जाते हैं, डैम आप आज स्टार्ट करोगे तो somebody else is going to cut the feet up for the dam. Right. तो वो जब तक वो आएगा तब तक आपकी तो छुट्टी होगी ना, तो इसलिए वो 10-20 साल आपको लग जाते हैं, ये प्रोजेक्ट आपके 2 साल में लग जाते थे right. तो वो इसलिए गवर्नमेंट को एक वो था, वो ये आपको याद होगा लोड शेडिंग वॉज अ मेजर इशू ऑफ द इलेक्शंस एट दैट टाइम एंड सक्सेसिव इलेक्शंस, तो ये एक क्विक फिक्स सोल्यूशन था, बट आई थिंक उस क्विक फिक्स सोल्यूशन की आड़ में बहुत सारी कनाइवेंस हुई, बहुत सारी करप्शन हुई, वो चीज़ जो कि पाकिस्तान में एक सस्ती लग सकती थी उस मतलब ज़रूरत थी और उसको मीट आप कर सकते थे बट एट अ लोअर प्राइस विद बेटर टर्म्स, वो नहीं किया गया, और वो जब वो जो वहाँ पे जो व्हीलिंग डीलिंग हुई उसके अंदर यू नो देयर वाज मनी टू बी मेड एंड पीपल मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड दे आर स्टिल मेकिंग देम। वो कहते ना कि एक बोटी खाने के लिए बकरा ज़बह कर दिया टाइप सिचुएशन। बिल्कुल ऐसी था। अच्छा एंड देन द सेकंड थिंग इज यू मेंशनड लाइक यू सेड के यू नो न्यूक्लियर पोटेंशियल है, हाइड्रल पोटेंशियल है, यहाँ पर अब जाकर जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ये होता है कि यार यू नो वॉट लाइक वेयर एट वॉट 40,000 मेगावाट कैपेसिटी और 32,000 मेगावाट कैपेसिटी 36,000 मे बी एंड पीक लोड आपका 22,000 पे जाता है 23,000 पे चला जाता है, तो डू वी इवन नीड मोर इनपुट और सप्लाई साइड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रादर देन के पहले आप डिमांड को बढ़ाएं, या डू यू थिंक डिमांड एट्स करंट रेट्स बढ़ ही नहीं सकती एंड देयर फॉर वी नीड टू इंक्रीज इट टू लोअर द कॉस्ट फर्स्ट एंड बी एबल टू ऑफसेट एंड देन इवेंचुअली स्लोली विल क्रिएट द। देखिए ये वाली डिबेट भी उस वक्त जब मैं वो काम कर रहा था यूरास के जो PPIB में, तो वो फोरकास्टिंग होती थी और वो फोरकास्टिंग जब हुई तो मैं दंग रह गया कि यार ये कैसे करते हैं फोरकास्टिंग रियली। उस ज़माने में वो बाबडा का एक पूरा यूनिट था जो कि ये फोरकास्टिंग किया करता था कि आगे क्या डिमांड होगी पाकिस्तान की, और उसके मुताबिक फिर आप बताते थे कि इतने मेगावाट चाहिए हमें, फिर अब IPPs को बुलाया करते थे, पर वो दो बंदे बैठ के तो वैसे ही करते थे कि यार मेरा ख्याल है 5 कर दियो, नहीं मैं 6% कर दियो डेली। आई एम टेलिंग यू आर उन्हीं फिगर्स के ऊपर फिर आपकी आगे सारा कुछ सारी प्लानिंग चलती थी एंड यू नो इट वाज एस्टोनिशिंग कि ये
इस तरीके से किया जा रहा है और इतना लैकडेसिकल तरीके से उसको किया जा रहा है, बजाय इसके कि उसको एक प्रॉपर फोरकास्टिंग. वैसे भी यू नो कैन नेवर बी 100% करेक्ट, ऑफ कोर्स, बट देयर हैज टू बी मेथड टू दैट मैडनेस. वो मेथड नहीं था उस मैडनेस में. डू यू थिंक दैट हैज चेंज्ड ओवर टाइम? आई थिंक इट हैज चेंज्ड ओवर टाइम. आई थिंक प्लानिंग हमारी अब काफ़ी बेहतर है, उसका प्रोसेस बेहतर है. बट यू नो वो एक विंडो थी जिसके अंदर हम फंस गए हैं और वो फंसे हम ये नहीं कि उसी साल निकल आएंगे उसमें से, वो 30 साल में फंस गए. लॉस्ट डेकेड्स हो गए हमारे, वो लॉस्ट डेकेड्स हमारे, और आई थिंक उसकी वजह से हम अभी तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं. मेक सेंस. हाउ लॉन्ग वर यू एट पीपीआईबी? वहाँ मैंने 2 साल काम किया और वहाँ पे पीपीआईबी में काम करते हुए मुझे ये जो एनवायरनमेंट का, एक तो नेचर के साथ मुझे वैसे बड़ा लगाव था. यू नो आई वाज अ नेचर आउटडोर पर्सन. यू नो माय लेट फादर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, वो हमेशा मुझे छुट्टियाँ जब भी होती थी तो कहीं बाहर ले जाते थे, कहीं टेंट में सुला देते थे. यू नो आई यूज टू स्टार्ट लविंग नेचर एंड फीलिंग नेचर एज अ चाइल्ड. और फिर उसके बाद आई ऑलवेज फेल्ट कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी यूनिक कंट्री, क्योंकि आई ट्रेवल्ड अलॉट विद इन पाकिस्तान और पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे जो नेचुरल इकोलॉजी है वो दुनिया में कहीं नहीं है पाकिस्तान वाली. बिकॉज यू नो वी आर दी ओनली कंट्री जो कि विच हैज़ गॉट द सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड विच इज़ K2 एंड विच हैज़ गॉट द सी ऑल्सो एंड वी गो डाउन फ्रॉम दैट लेवल टू द सी लेवल विदिन 2,000 kilometers. तो इसलिए दुनिया में जो भी इकोलॉजिकल जोन्स हैं कहीं पे भी, देर आर 12 इकोलॉजिकल जोन्स, वो 12 के 12 पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं. सो यू नो पाकिस्तान बहुत डाइवर्स है, भरी इसकी नेचर वाइब्रेंट है एंड वी नीड टू सेव इट. तो वो मेरे दिमाग में एक था कि जी यार ये काम करने वाला है. और जब ये पीपीआईबी वाला मैं काम कर रहा था तो मैं देता था वो ईआईए एक होती थी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी, विच वाज अ रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल. वो जब आता था डॉक्यूमेंट पीपीआईबी में, सारे दूसरी की तरफ देखते थे यार सर का दर्द आ गया, इससे कौन डील करेगा यार, हु इज गोइंग टू चेक. देयर वाज नोबडी क्वालिफाइड टू यू नो गो थ्रू दोस ईआईएस, गिव सम इनपुट बैक एंड यू नो ट्राई टू इंप्रूव इट. इट वाज मोर लाइक एन आफ्टर थॉट rather than a decision making tool. The EIA, you know, जो होता है वो इट इज़ सपोज टू बी अ डिसीजन मेकिंग टूल कि आप EIA करते हैं और उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं कि आपने प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना. राइट. यहाँ पर जो था इट वॉज अ डिसीजन जस्टिफिकेशन टूल. आपने डिसीजन ले लिया कि यार मैं इतने ही लाना है पावर प्लांट और उसके बाद आप कहो कि यार आप इसको कैसे घुमा के मैं इसका EIA करूँगा. तो वो मुझे फील हुआ कि यू नो वो आता था हमारे पास तो हम चेक करते थे कि यार कोई इसको चेक कर ले इसी तरह. वो बट डर देर वॉज अ डर्थ. सो दैट गॉट मी इंटरेस्टेड कि यार एक और डिग्री करनी चाहिए कोई इन्वायरमेंट की एंड स्टार्टेड सर्चिंग. तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस वक्त पहला साल था वो, वहाँ पे एक सेंटर बना था एनवायरमेंटल चेंज यूनिट. एनवायरमेंट वॉज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, ये नहीं कि पाकिस्तान में नहीं था, दुनिया को भी इसका अभी अवेयरनेस हो रही थी और उसकी एजुकेशन क्वालिफाइड एजुकेशन कोई नहीं थी उसकी. तो वो ऑक्सफोर्ड में भी वो पहला साल था तो मैंने अप्लाई किया, उधर एडमिशन हो गई, देन आई ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप. तो फिर मैं चला गया उधर एक साल के लिए एंड यू नो दैट वाज आई थिंक अ डिफाइनिंग मोमेंट इन माय लाइफ. अमंगस्ट द 3 प्रोग्राम्स दैट यू डन, हाउ वुड यू कंपेयर द वन दैट ऑक्सफोर्ड? आई थिंक द ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम वाज लीप्स एंड बाउंड अहेड ऑफ द अदर 2 प्रोग्राम्स. हाउ कम? देखें, एक तो ऑक्सफोर्ड की जो एजुकेशन है वहाँ पे आप जब जाते हैं तो यू आर द वन हु सेट योर ओन sort of agenda कि आपने क्या पढ़ना है. अच्छा. जब मैं पहली बार गया उधर आई रिमेंबर आई वॉज गोइंग थ्रू वॉशिंगटन, मैं वॉशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस थी उस पर गया तो उधर मैंने एक वर्ड सुना एमिशन ट्रेडिंग. अब वो दुनिया को emissions trading, 90s के अंदर. 90s के अंदर तो वो वर्ड इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट वर्ड. मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार ये emissions कैसे ट्रेड होती हैं, ये तो हवा में, हाउ डू यू ट्रेड दीज emissions? एंड वो है वहाँ पे एक बंदा था जो कि बड़ा नॉलेजेबल था इस चीज़ के बारे में, जॉन पाल्मिसानो. उस वो मिला मुझे, यू नो ही वाज एन अमेरिकन जिसने सैन फ्रांसिस्को में ये काम किया था वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशंस के ऊपर. तो आई गॉट इंट्रीड, मैंने उससे कहा यार मुझे बताओ उसके बारे में, आई स्टार्टेड सर्चिंग. उसके साथ फिर मैं इन टच रहा, वहाँ से फिर मैं गया अपना कोर्स करने के लिए ऑक्सफोर्ड में. जब ऑक्सफोर्ड गया तो मैंने कहा जी मैंने तो ये पढ़ना है. अब उधर इट वॉज सच अ न्यू थिंग कि वहाँ पे ऑक्सफोर्ड जैसी जगह पे भी देर वॉज नो प्रोफेसर हु कुड डील विद इट, बट दे गेव मी द फ्लेक्सिबिलिटी. उन्होंने कहा जी अगर आपके पास पैशन है और आप यही काम करना चाहते हैं तो यू फाइंड समबडी फ्रॉम द आउटसाइड एंड वील स्पॉन्सर हिम. तो उन्होंने वो जो बंदा मुझे न्यूयॉर्क वॉशिंगटन में मिला था, मैंने फिर उसको कॉन्टैक्ट किया तो मैंने कहा यू शुड बिकम माई, आई वॉन्ट यू टू बिकम माई एडवाइजर. तो दे अलाउड दैट फ्लेक्सिबिलिटी. सो देर आर वेरी फ्यू प्लेसेज इन द वर्ल्ड जहाँ ये अलाउ किसी को करें.
But you know, I knew what I wanted to do, or they gave me the flexibility, and I worked for it. मैंने अपना thesis उस पर किया. What was your thesis on? My thesis was on comparing के जो emissions trading का concept US में किया गया था, जो कि LA में किया. LA में बहुत बड़ी air pollution की problem थी. Right. तो वहाँ पर उन्होंने emissions trading का ये concept पहली बार employ किया था. और एक उन्होंने किया था चिली के अंदर. Right. सांटियागो सिटी जो है उसको सिमिलर, क्योंकि दोनों जगह पे पहाड़ है. हाँ. वो गाड़ियाँ जब चलती हैं तो सारी पोल्यूशन वहाँ फंस जाती है. राइट. एंड यू नो दे नीड टू कंट्रोल दैट पोल्यूशन. तो दोनों जगह उन्होंने एक ही प्रोग्राम को एम्प्लॉय किया एट द सेम टाइम. एक सक्सेसफुल था बहुत यूएस प्रोग्राम, और एक बहुत बड़ा फेलियर था सांटियागो के अंदर. तो माई थीसिस वॉज ऑन स्टडिंग बोथ द प्रोग्राम्स एंड देन फ्रॉम दिस डिड्यूसिंग के वेदर इसकी कोई ग्लोबल लेवल पर एप्लीकेशन हो सकती है कि नहीं. तो वो जब मैंने थीसिस किया तो उस वक्त क्योटो प्रोटोकॉल नहीं हुआ था. राइट. बट आई यू नो माय थीसिस मैंने ये प्रपोज किया कि जी ग्लोबल एप्लीकेशन हो सकती है और ये कार्बन एमिशंस के लिए हो सकती है. एंड आई वाज अ यंग पर्सन एट दैट टाइम. बट वो थीसिस मेरा जो था वो बहुत ज़्यादा उसके यू नो उसका पेपर मैंने लिखा दैट गॉट रेड ट्रांसलेटेड टू अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस. राइट. और फिर जब क्योटो प्रोटोकॉल 97 के अंदर अग्री हुआ था तो यही कॉन्सेप्ट उसमें एम्प्लॉय हुआ. राइट. सो यू नो दैट गेव मी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लॉन्च इनटू अ ग्लोबल अरीना. वरना यंग एक आप इकोनॉमिस्ट हो या आप एक यंग बंदा हो तो आपको बड़ी कम स्पेस मिलती है ग्लोबल, क्योंकि हर कोई वो काम कर रहा होता है 20-20 साल से कर रहा होता है. बड़े बड़े खांक लोग बैठे होते हैं. ये एक नई फील्ड थी, एक नया आइडिया था, लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ था इसके बारे में ज़्यादा, और मैंने इस पर थीसिस किया हुआ था. यू नो वो मुझे एक बड़ी एक ज़बरदस्त 3-4 साल का एक्सपोजर मिला उसमें. फिर मैंने वर्ल्ड बैंक के साथ, यूएन के साथ मुख्तलिफ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स किए. आई वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज़. राइट. वो लोग सब जानना चाहते थे कि ये क्या हो रहा है इसमें. यू नो आई वेंट टू ईस्ट तिमोर, आई वेंट टू टर्की, बहुत सारे ममालिक में. एंड दे वॉन्टेड टू लर्न कि हम अपने मुल्क में कैसे इसको एम्प्लॉय कर सकते हैं. फिर पाकिस्तान के लिए वहाँ पे मैंने 2-3 बड़ी स्टडीज़ की इसी चीज़ के ऊपर कि ये कैसे पाकिस्तान इसको इससे फ़ायदा उठा सकता है और आगे क्या इसमें हो सकता है. मेक सेंस. इफ़ आई वुड टू आस्क यू, आई रिमेंबर आई वाज वाचिंग दिस टीवी शो एक्चुअली अबाउट द ब्रिटिश क्राउन, आई थिंक इट्स कॉल्ड द क्राउन एज वेल. तो उस पर वो दिखा रहे थे कि 1940s के अंदर लंदन में एक टाइम के ऊपर क्लाउड्स ऐसे आए कि क्योंकि लंदन वॉज अ फेयरली पोल्यूटेड सिटी एंड इंडस्ट्रियल हब भी था, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोल बर्निंग और उसकी वजह से जो है ना वो स्मोक प्रोड्यूस होती थी. और फिर वो सम हाउ क्लाउड्स वगैरह ऐसे आए कि उसने एक सॉर्ट ऑफ बबल बना लिया जिसमें वो सारा टॉक्सिक एयर इकट्ठी हो गई. एंड आई बिलीव विंस्टन चर्चिल वॉज देयर. सो वो ठीक ठाक हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन दैट वीक वाइल दैट वॉज हैपनिंग एंड इवेंचुअली फिर वो क्लाउड्स क्लियर्ड अप एंड इट गॉट क्लीन्ड अप. अच्छा, आई वॉज वॉचिंग द विजुअल्स एज दे शोड ऑन द शो. आई कुड सी एन ईयरी सिमिलैरिटी विद लेट्स से लाहौर. एग्जैक्टली. राइट. एंड वाइल इट वॉज स्कैरी to imagine ke as Lahore develops more where it might lead to, but somehow it was also fairly optimistic because the London and the developed world of today, aaj hum jaate hain na jaake dekhte hain ke yaar kitne khoobsurat ilake hain, kitne saaf ilake hain, kitna acha hai inhone manage kiya hai. Kaash hamara jo global south overall mein karte hain, global south mein aap chale jaye to Beijing mein bhi ye problem hai, India mein bhi large problem hai. तो फिर आपको होता है अच्छा नहीं, दिस इज अ डेवलपमेंट प्रॉब्लम. वेर इन द टाइम लाइन एट अ पॉइंट वेर वेर रैपिडली डेवलपिंग एंड इवेंचुअली वंस वी जनरेट इनफ वेल्थ तो वी माइट बी एबल टू क्लीन आवरसेल्व्स अप एज वेल. व्हाट वुड योर टेक बी ऑन दिस के क्या हमारे जो, क्योंकि कभी कभार अगर मैं खासकर जितना कराची को देखता हूँ और वो शहर मशरूम ग्रोथ के साथ ऑलमोस्ट अब ऐसे देख के लगता है कि यार इसका तो कोई फिक्स है नहीं. बट बिकॉज यू स्टडीड different cities across the world, particularly focused on climate. How do you feel? Do you feel that same optimism? You know, with the right policies over time, with enough wealth generated, economic development happening, we might look like Europe as well in the next 100 years. नहीं, इंशाल्लाह. वो जो कहते हैं सारे साइंसदान कहते हैं ना कि पेरिस बना देंगे. वो इंशाल्लाह है. बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि ये इरिवर्सिबल प्रॉब्लम्स नहीं हैं.
बट यू नो अप टिल अ सर्टेन स्टेज राइट, और अप टिल अ सर्टेन स्टेज वो रिवर्स हो सकते हैं। बट दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो दुनिया ने इससे सीखा है, मसलन चाइना ने इससे सीखा है, वो ये है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। राइट, कि बेहतर ये है कि आप शुरू में ही वो गलत काम ना करें, बिकॉज उसको जो ठीक करना होता है जब आप यू टर्न मारते हैं इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वो तकरीबन 20-30 गुना ज़्यादा आपको पैसा खर्चना पड़ता है टू गेट टू द सेम स्पॉट, जो कि आप अगर थोड़ा सा एहतियात करके अच्छे तरीके से काम कर लें डेवलपमेंट अपनी तो आपको वो तकलीफ नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम आप वाली है कि वो जब आप क्योर करने आते हैं तो आपके पास पैसा होता है, जब आप प्रिवेंशन करने जा रहे होते हैं तो आपके पास पैसा नहीं होता हमारे ऐसे ममालिक के पास, तो वो फिर वही रूट होता है कि आप पहले गंद करते हैं फिर उसकी सफाई शुरू होती है। अब चाइना में एक बहुत मेजर यूटर्न आया था, दुनिया में सबसे बड़ा यूटर्न वहाँ पे आया है कि उनके जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस थी वो देवर डाउन द ट्यूब हर चीज़ में, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, बीजिंग वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। लेकिन अब चूंकि उनके पास पैसा है और उन्होंने लगाया पैसा, पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्टली एम्प्लॉय किया, तो वो उन्होंने सब चीज़ को ठीक कर दिया और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने अपने जो बेस क्रेडेंशियल्स है ऑफ द एनवायरनमेंट उनको ठीक कर दिया है। और ये भी सारे मुल्कों ने रियलाइज़ किया है कि अगर आपकी एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, आपका हवा ठीक नहीं है, आपकी पानी ठीक नहीं है, तो फिर नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग ऑन डेवलपमेंट इट इज़ नॉट वर्थ इट। कि जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं है तो आप बेशक 8% पर डेवलप कर रहे हो, इट इज़ नॉट वर्थ इट। राइट, तो पाकिस्तान नीड्स टू लर्न फ्रॉम दैट, और ये हमारी भी कोशिश यही रही जब मैं गवर्नमेंट में आया कि हम उस रास्ते पे ना जाएं जिस रास्ते पे तबाही के बाद हमने ठीक होना है। अगर हम शुरू से ही कुछ ऐसे स्टेप्स ले लें अपने डेवलपमेंट उनसे सीख के, बिकॉज द लेसन्स आर आउट देयर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह आपने लंदन की बात की तो जो स्मोक का वर्ड है ये उसी ज़माने से निकला कि वो स्मोक और फॉग जब दोनों मिल जाते हैं तो वो स्मोक उन्होंने वर्ड बनाया, और वो फिर लंदन में उन्होंने उसको ठीक कैसे किया कि ग्रीन एरियाज़ को डेवलप किया, पार्क्स आप देख लें लंदन में कितने हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल किया जो मेजर कंट्रीब्यूटर था, जो कोल की फैक्ट्रीज थी लंदन के अंदर उन सबको बंद कर दिया। अच्छा, सो यू नो ये तीन स्टेप्स उन्होंने किए एंड नाउ इट इज़ अ वेरी लिवेबल सिटी, आप जाके वहाँ पे एंजॉय करते हैं। अगर मैं इसमें एज अ डेवल्स एडवोकेट प्ले करूँ, लुक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे से इज़ कि यार the global north have, अगर प्योरली क्लाइमेट चेंज परस्पेक्टिव से बात करूँ, कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ ने ना सिर्फ उस वक्त बल्कि आज भी वो जो है ना अपनी सस्ती बिजली बना के वो दे आर द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू क्लाइमेट चेंज एंड टुडे दे आर कमिंग इन एंड लेक्चरिंग अस एंड क्रिएटिंग एक्चुअली बियॉन्ड द लेक्चर इवन दे आर क्रिएटिंग एन इकोनॉमिक मॉडल वेयर दे विल पीनलाइज अस फॉर यूटिलाइजिंग द सेम चीपर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। राइट, सबसे अच्छी मिसाल इसकी कोल की है कि हमने कोल को यूटिलाइज ही नहीं किया। लाइक हम इवन आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स में 10 मिसाइल नॉट विद स्टैंडिंग वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम वाज कि हम फर्नेस ऑयल पे बेस कर रहे थे सारा कुछ, जो कि इट्स एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड इम्पोर्टेड यू नो फ्यूल। ऑल्टरनेटिवली वी वर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ लोकली प्रोड्यूस्ड कोल, जो कि अभी मैं लास्ट क्वार्टर की स्टार्ट देख रहा था, तो वाइल most of your electricity generation was hovering around 50 40 45 50 rupees jo aapki thar coal wali hai wo to was around 3 4 rupees, it was phenomenal, it was insane and so do you think aaj jab hum coal ki baat karte hain to for an average person wo side pe hoke dekhta hai yaar coal laga rahe hain kitne jahil log hain, dekho zara ye abhi is climate change ki duniya mein coal laga rahe hain, halanki hamara footprint itna thoda hai ki hum usse 10 plants bhi laga le to shayad hum पर कैपिटा पे करीब नहीं पहुंचेंगे। राइट, आई रिमेंबर आई वाज स्पीकिंग टू द यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर ऑन द शो एंड शी सेड समथिंग सिमिलर, यू नो पाकिस्तान नीड्स टू डू दिस, शी गेव द लिस्ट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू डू दिस एंड आई वाज लाइक मैडम पाकिस्तान नीड्स टू डू दिस और दैट तो एक अलग बात है, आप मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं ना। तो उनका काउंटर ये था, देखिए जी हम यूरोप जो है ना हम नहीं करते, ये अमेरिका और चाइना का प्रॉब्लम है और इंडिया का प्रॉब्लम है। मैंने कहा आप पर कैपिटा आप भी कर रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन कम है, बट अगर आपकी पॉपुलेशन कम के अंदर आप जो है आपका एक बंदा और हमारा एक बंदा का डिफरेंस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ 50 है, तो देन यू आर डूइंग अ लॉट मोर कार्बन एमिशंस। राइट, ये वाली कॉन्वर्सेशन को अगर आप मैं कॉन्टेक्स्ट में लेकर आऊँ एंड द फैक्ट इज व्हेन यू रियली पुट आउट द नंबर्स के फॉर एन एवरेज कंज्यूमर उनको नहीं पता कि सोलर पैनल लग रहा है, वो देख रहा है सोलर पैनल उसके बाद मुफ्त की एनर्जी, बट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग दैट सोलर पैनल द पर मेगावाट कॉस्ट versus the per megawatt cost and the time required for let's say a coal or a alternate,
उसको मद्देनजर रखते हुए आप किस तरह देखेंगे कि फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज डेवलपिंग बट ऑल्सो वेरी मच स्टक इन दैट साइकिल, कैन वी अफोर्ड टू गो ऑल डेक्स ऑन हैंड फुली क्लाइमेट चेंज जस्ट रिन्यूएबल, लेट्स से यू नो 10 इयर्स का हम वेट कर रहे हैं फॉर हाइडल एंड कॉस्टली न्यूक्लियर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ? देखें, ये आपने बड़ा अच्छी एक डिबेट खोली है, इसमें देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी वेड। वन इज़ कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। अब पाकिस्तान, अल्लाह का ये शुक्र है कि पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। वी हैव कोल, वी हैव हाइड्रो, वी हैव सोलर, वी हैव विंड, वी कैन डिसाइड कि हमने क्या करना है। और जो जहाँ तक कॉस्ट की बात है, उसके अंदर यू नो दे आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। कोल के अंदर आप बहुत पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं और बहुत क्लीन टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं। इसी तरह आप कोल के अंदर ही आपकी कोल गैसिफिकेशन की ऑप्शन आ गई है, जो पाकिस्तान का जो थार कोल है उसको उन्होंने चेक किया और उसके मुताबिक वो आप उस कोल को गैस में चेंज कर सकते हैं, और उस जब आप गैस में चेंज करके उसको बिजली बनाते हैं तो उससे कार्बन एमिशन्स बहुत कम इफ़ेक्ट होती हैं। तो ये सारी ऑप्शन हैं, सो यू कैन डू वॉट इज़ कॉल्ड द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी। और दूसरा ये है कि आपका रिन्यूएबल्स की ऑप्शन पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पे आप हाइड्रो इज़ अ मेजर मेजर ऑप्शन। यहाँ पे यू नो पाकिस्तान में आई थिंक जो बहुत क्रिमिनल चीज़ हुई वो ये थी कि एक गवर्नमेंट ने एक बैन लगाया हुआ था कि जी आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करके, जब ये IPPs के शौक में कि फर्नस ऑयल वाले IPPs जो है उनके साथ हमारी बहुत सी दोस्ती है, इसलिए जो रिन्यूएबल वाले IPPs हैं उसके ऊपर एक कैप लगाया हुआ था कि 50 MW से ज़्यादा किसी प्रोविंस में आप रिन्यूएबल एनर्जी का IPP की पावर दे ही नहीं सकते थे। क्यों? यही रैशनल था कि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हमें उनकी बिजली चाहिए। वो है भी महंगी, है भी बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग, लेकिन हमें वो पसंद है। और इम्पोर्ट भी हो रही है, और इम्पोर्ट भी हो रही है सारा तारा तेल हमने पहले इम्पोर्ट करना है, फिर उसको साड़ कर हमने वो बिजली बनानी है। देयर वाज अ कैप 50 MW का, वो फिर हमारी जब गवर्नमेंट आई थी वी रिमूव दैट कैप। इस तरह विंड के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हमारे, वी वेयर इन द सेम विंड चैलेंज एज इंडिया इज, उन्होंने को 3000+ लगाए हुए। हमारा वहाँ पे 1200 MW के विंड के प्रोजेक्ट्स जिसकी वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग लाइंड अप थी, वो रुके हुए थे, वो बस आगे नहीं जा रहे थे। सो वी गॉट दैट थ्रू कि वो लग जाए, यू नो वो भी पिछली गवर्नमेंट में हुआ था हमारी, कुछ हुआ उसके पर हो रहा है। 1200 MW लग रहे हैं, इंशाल्लाह दिल सून बी कमिंग ऑनलाइन। राइट, इसी तरह उसमें वो टैरिफ वालों टैरिफ पे तंग करते थे उनको कि जी आपका टैरिफ हमें तो वो बिजली आपकी महंगी है, वो यू नो उसमें आपने इकोनॉमिक टैरिफ भी देखना पड़ता है कि बिजली महंगी तो है लेकिन वो इसकी आपको इम्पोर्ट कॉस्ट आपकी जीरो है इसके ऊपर। हाँ। और ये परपेचुटी में चलेगी। हाँ। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करती हैं, वो सिर्फ एक चीज़ लेके तो उसको आगे कर रहे थे। राइट, इसी तरह सोलर के ऊपर पाकिस्तान का बहुत पोटेंशियल है, यू नो यूर वन कंट्री जहाँ पे आप सोलर रूफ सोलर जो है जो अब चल रहा है इसके ऊपर भी अब यू नो IMF ने आके इस पर टैक्स लगा दिया था 17% का इम्पोर्ट ऑफ सोलर पैनल्स पे, जो दुनिया में कहीं नहीं लगाते। तो मेरी इनकी यहाँ पे जो हेड ने उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा आपने ये क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो कहा था कि हर चीज़ पे लगा दो जो भी इम्पोर्ट कर रहे हो, और उसमें ये भी है तो इसको बाद में हम निकाल देंगे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से निकला उसमें से। सो यू नो ये हमारे पास चॉइसेस हैं, पाकिस्तान इज़ अ वेरी यूनिक कंट्री जिसके पास चॉइसेस हैं कि आप ये तमाम एम्बिट ऑफ पावर जो है प्रोड्यूस कर सकते। वर्स्ट चॉइसेस कि आप बाहर से फ्यूल मंगा के उसको आग लगा के तो उससे बिजली बनाओ, एंड वी टुक द फर्स्ट चॉइस। आई थिंक वी शुड हैव वी हैव चॉइसेस, और इसको नो इसको बेहतर करने की जरूरत है, इस मिक्स डाइवर्स करें उसको, डाइवर्स करने की जरूरत है, इस मिक्स को बेहतर बनाने की जरूरत है, और वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि वो हो सकता है इंशाल्लाह। जो कोल का लग रहा है आपके ख्याल में, वुड यू बी सपोर्टिव ऑफ दैट, जो अभी एक्सपेंशन भी हो रही है? देखिए कोल पे हमारी गवर्नमेंट ने तो ये किया था कि वी सेट कि जी हम अब कोल पावर जनरेशन और नहीं करेंगे, व्हाट वी विल डू इज टू वर्क ऑन शिफ्टेड टू कोल गैसिफिकेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई थी ना उसकी। सो सेम थिंग, साउथ अफ्रीका ने उन्होंने चेक करके बताया था कि जी पाकिस्तान की कोल गैसिफिकेशन हो सकती है, तो व्हाई नॉट यूज द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड द वर्स्ट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो। राइट, तो वो हमारा वो था कि हम उस पर करेंगे और बाकी हम रिन्यूएबल्स पे करेंगे, जिसमें मेजर जो है वो हाइड्रो है, लार्ज डैम हाइड्रो है। Right. अब हमारे जो हाइड्रल पावर थी उसको भी हमने रिन्यूएबल से निकाला था फॉर सम ऑड रीज़न, कि हम हाइड्रो पावर को रिन्यूएबल नहीं कहते थे, तो वो भी वी गॉट दैट री क्लासिफाइड, और हमने कहा कि यार ये यू नो सारी दुनिया इसको रिन्यूएबल एनर्जी कहती है, व्हाई डोंट वी कॉल इट रिन्यूएबल एनर्जी। राइट, ये एक ऑडिटीज़ हैं हमारे पॉलिसी मेकिंग में अनफॉर्चुनेटली जो रहती हैं, बट ये पाकिस्तान एज अ सेट इज़
to answer your question, you know, is lucky in the sense that we have those options in front of us. Kai mulkon paas hoti nahi hai. Unke paas ya tel hota hai ya kuch bhi nahi hota, ya koila hota hai ya kuch bhi nahi hota. Aur phir koila jo apni EU ki baat ki, abhi ye jo Ukraine war hui hai, unki gas aur bijli band hui hai. So they have started shifting back to coal. Yeah. Most of the countries. So isliye wo sara in the larger context of your own national interest dekhna. And also I mean renewable ka, nuclear notwithstanding again, most of renewable is going to be timed at some point or the other, right? Wo khaskar jisna hamara hydel hai, wo seasonal timed hota hai, uske up and down hoti hai. So aapne wo mix kahin na kahin banana padega jisme jab ek kam ho raha hai to dusre ko peak hours pe kuch aur hai aur fir wo balance to fir you know kaam hota hai, aapko build karna hi padega up until I guess batteries technology bahut hi revolutionized ho jaye. But mujhe ye bataye ki acha ek to sorry quick mere dimag mein thought aayi, हाइड्रोजन के ऊपर बड़ा काम दुनिया में एकदम से शुरू हो गया जिसके ऊपर बात हो रही थी कि यू नो वन पोटेंशियल वेरी अर्ली स्टेजेस बट वन पोटेंशियल वे टू स्टोर एनर्जी इज कि जी आपने रिन्यूएबल बना करके आप बेसिकली हाइड्रोजन ब्रेक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दें एंड यूटिलाइजिंग दैट हाइड्रोजन टू यू नो मेक इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी अगेन. अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि दैट इज़ द राउट दैट साउदीज़ वॉन्ट टू गो वेयर देयर सेइंग कि लिसन वी हैव अ लॉट ऑफ expertise in chemical essentially. So hum jab renewable mein to hamara ek bahut major push hoga towards hydrogen. Hydrogen mein eventually jet engines and usme wo uski utility bhi hai. Did you guys ever see or explore that as well? Bilkul hydrogen I think is the ek future mein ek bahut valuable fuel ho sakta hai. Saudis us pe bahut zyada kaam kar rahe hain. I'll tell you a small story. वो इमरान खान साहब का एक विजिट था सऊदी अरेबिया का. आई वाज विद हिम सो आई वाज सिटिंग इन द ऑडियंस ही वाज स्पीकिंग एंड वी वर ट्राइंग टू वू कॉस्ट इन्वेस्टर्स के यार पाकिस्तान आओ. तो वो मेरे साथ एक सऊदी बैठे हुए थे. तो जब वो बात करते तो सऊदी ने मेरी तरफ देख के कहा कि यार आपके जो प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहा है यू नो ये अहमी है बात मतलब इसमें. तो आई गॉट लिटिल ऑफेंडेड कि यार तो मेरा वो प्राइम मिनिस्टर है तुम कैसे बात कर रहे हो ये मेरे से इस तरह. तो उसने कहा आप मुझे बाद में मिले. तो ना मेट हिम तो ही वॉज द सीईओ ऑफ अ मेजर पावर कंपनी इन द सऊदी. और उसने कहा कि जी हम लोग पाकिस्तान गए थे वी वो गोइंग टू सेट अप अ हाइड्रोजन प्लांट और हमें उन्होंने कहा कि आप आए यहाँ पे आके लगाएं. हमने कहा वहाँ जाते हैं. वो कहते हैं उसके बाद हमें सेक्शन ऑफिसरों ने वो धक्के दिए वहाँ पे कि हमारा बुरा हाल हो गया. एंड ही टोल्ड मी कि यार इसकी जगह इंडिया का. उसने मुझे एग्जाम्पल दिया. उसने कहा जी इंडिया के साथ अब जो हम MOU साइन करते हैं उन्होंने एक ऑफिस सऊदी अरेबिया में बनाया हुआ है और वो कहते हैं जी कि आपका बैक एंड पे जितने वो सर्टिफिकेट ये वो जो भी इजाजतें चाहिए वो हम आपको लेके देंगे एंड यू विल गो टू इंडिया वंस ऑल ऑफ दैट इज डन. आपसे हमें सिर्फ पैसा चाहिए. तो लीव दैट टू अस एंड गिव अस द मनी. सो वो फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को उसको बताया. मैंने कहा जी ये इस तरह मिला था और उन्होंने फिर उस पर कुछ कहा भी आगे. बट हाइड्रोजन के ऊपर देर इज़ अ बिग फ्यूचर पाकिस्तान. बट इट यू नो इट्स कॉस्टली ऑफ कोर्स. आई मीन इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज. इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज. पाकिस्तान के पास तो बाकी ऑप्शंस मौजूद है ना. मतलब ये सऊदी अरेबिया के पास देयर इज नो हाइड्रो ऑप्शन ऑफ कोर्स. उनके पास ये कोल ऑप्शन भी नहीं है. उनके पास तो अपने तेल की ऑप्शन है ना सिर्फ. सो हाइड्रोजन तो वो तो इसलिए कर रहे हैं कि दे आर अ वेरी हाई कार्बन एमिटिंग कंट्री. पर कैपिटा बेसिस पे तो वो आई थिंक गल्फ कंट्रीज और वो तो वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड है. तो उनके ऊपर प्रेशर है दुनिया का कि यार आप इसको कम करो. तो पाकिस्तान पे तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है. हम तो 1% जो दुनिया की इमिशन है उसके 1% से भी नीचे हैं हम. राइट. और लोएस्ट वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. सो हमारे पे उस तरह का प्रेशर नहीं है. लेकिन वी कैन डिसाइड टू डू द राइट थिंग जब हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं. मेक सेंस. इफ आई हैव टू रिवर्ट बैक टू लेट्स से 1997 you mentioned you were working with sort of these sort banks, World Bank aap kar rahe the, UN World Bank ke saath maine kiya. I was a freelance consultant. Right. aur UNDP ke saath kiye bahut sare projects. Kitna arse tak aap ye kar rahe the? I did that for 3-4 years. Okay. aur uske baad fir maine siyasat mein chalang laga di. Acha. aur 2001 mein I think hamara wo tha local body ka election tha. Sahi hai. So I contested for the district. Nazim us waqt aaye the to uski seat pe. I lost that election by 7-8 votes. Acha. To acha before that you were while you were working as a consultant you weren't in Pakistan. You were across. No, I was in Pakistan based in Achha. Pakistan but I used to travel a lot. Okay. aur mukhtalif jagahon pe jana padta tha aur you know jaisa maine aapko bataya ki wo jo kyoto ka tha wo ek mystery thi us kyoto ke isgit ki ye kya cheez sign ho gayi hai. jis tarah mujhe as a student wo mystery lagi thi ki yaar ye mission statement hai kya cheez. is tarah bahut sare mamalik
wanted to find out ki kis tarah hame apne policy banani hai uski. Right. So wo, you know, I went to a lot of countries, ja Central Asia mein sari takriban countries mein. Right. So assisted those governments and even Pakistan. Pakistan ke liye bhi us waqt do badi important studies ki thi. Ek climate needs ki study thi ki Pakistan climate change se impacted hai. To hamare aane wale saalon mein hame kya cost padegi climate change ki. So I worked on that study. I was the lead author on that. तो उसका फिर हमने कुछ 10 वो एक फिगर था बिटवीन 6 एंड 12 सॉर्ट ऑफ बिलियन डॉलर्स अ ईयर जो कि हमें क्लाइमेट चेंज से कोप करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे और इन एक्सपीरियंस जब वो अब आगे हमें वो फ्लड्स आए हैं और सारा वो कॉस्ट आई है तो वो बड़ी ट्रू टू साइज स्टडी थी और काफ़ी कोट होती है. फिर इसी तरह पाकिस्तान की एक नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई गई थी जो रियो में प्रेजेंट हुई थी तो उस पर भी आई वॉज द लीड ऑथर ऑन दैट. ये कब का बनाई थी? दिस वॉज आई थिंक 2002 में वो प्रेजेंट हुई थी. अच्छा. 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना तो इट वॉज द 10th एनिवर्सरी ऑफ दैट. तो पाकिस्तान देन हैड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. सो हाउ मच ऑफ दैट स्ट्रेटजी केम ट्रू? अ लॉट ऑफ इट बिकॉज यू नो मुझे जब मौका मिला यू नो स्पेशली पीटीआई के साथ और खान साहब के साथ तो दैट स्टडी वॉज बिहाइंड मी. इट वॉज इन माई सिस्टम. सो वो जब मैंने पोलिटिकल पार्टी के लिए फिर एक ग्रीन एजेंडा बनाया था तो लॉट ऑफ दैट वॉज यू नो दैट स्टडी कि मैंने कहा यार पाकिस्तान में आई ऑलवेज थॉट के जिस तरह दुनिया में ग्रीन पार्टीज बनती हैं तो यहाँ पे वी हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कि हमने एक मेन स्ट्रीम पार्टी को ग्रीन करने की कोशिश की. Right. और वो काफ़ी हद तक कामयाब रही और उसमें आई थिंक खान साहब के विजन का बड़ा रोल था बिकॉज यू नो उनका और मेरा इस चीज़ के ऊपर बहुत कनेक्ट था. बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी थी बल्कि दुनिया में कोट होते थे हम कि यार ये मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो आपस में एक फ्रीक्वेंसी है इतनी अच्छी ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन डेवलपमेंट ये बड़ी कम देखने में मिलती है. ये आपने 2013 में स्टार्ट कर दिया था राइट? ये 2013 में स्टार्ट किया था. सून एज आई गॉट इनटू पीटीआई जॉइंट पीटीआई इन 2010. ओके. और उसके बाद शुरू से ही अगर 2002 से 2010 का बताएं कि व्हाट वाज उस जमाने में ये हुआ कि मैंने लोकल बॉडी का इलेक्शन लिया दैट्स हाउ गॉट इनटू पॉलिटिक्स राइट. और फिर 2002 के अंदर नेशनल इलेक्शन हो गया. हाँ. उस पर आई कंटेस्टेड PMLQ की तरफ से एंड आई वन दैट इलेक्शन. उसके बाद मैं MNA बन गया. हुँ. और फिर 2-3 साल आई वाज ऑन वेरियस कमेटीज. एनवायरनमेंट की कमेटी पे था उस जमाने में. ये ऑयल स्पिल हुई थी बड़ी टेस्टमैन ऑयल स्पिल कराची के बाहर तो आई डिड इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट. वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन थी एंड देन आई गॉट इनटू द कैबिनेट एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट इन 2004. और फिर 4 से 7 तक उसमें उस ज़माने में फिर मैंने ये जो पाकिस्तान की कार्बन पॉलिसी है पहली विच वॉज कॉल्ड द CDM स्ट्रैटेजी वो हमने बनाई थी और उसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आए थे उस ज़माने में. सो दैट वाज द फर्स्ट कार्बन स्ट्रैटेजी फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान की इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो थी वो भी उस ज़माने में बनी थी. सो यू नो 2004 to 2007 दिस वॉज मुशरफ साहब थे. शौकत अजीज साहब वॉज द प्राइम मिनिस्टर. पहले जमाली साहब थे देन शौकत अजीज साहब वॉज द प्राइम मिनिस्टर. सो वी आई वर्क विद देम बट यू नो एनवायरनमेंट का पोस्ट तो मिली थी उस ज़माने में लेकिन वो वाली फ्रीक्वेंसी नहीं थी. यू नो वो वाला कनेक्ट नहीं था. हाउ वाज दैट गवर्नमेंट? बिकॉज अगेन दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए द करंट कॉन्वर्जेशन इन पाकिस्तान इट वाज इनहेरेंटली ए सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड. इट वाज अ हाइब्रिड गवर्नमेंट बिल्कुल राइट. एंड सो गवर्नेंस स्टैंड पॉइंट से पॉलिटिक्स को दो मिनट साइड पर रखें. Governance standpoint ke upar, you were working in a government body in 94 as well. Obviously, having had political background, so you probably saw how sort of political governments work. And phir aapne martial law government bhi dekhi 80s ke andar. Jo ye wali government thi of early 2000s, isko aap kis tarah rank karenge? Dekhiye, early 2000 wali jo government thi na, usme sabse bada jo fayda tha wo ye tha ki financial pressure नहीं था पाकिस्तान के ऊपर. बल्कि वो एक फाइनेंशियल ईज का टाइम था उस ज़माने में. आपके डॉलर्स आ रहे थे बिकॉज वी वर अ मेजर पार्टनर इन द US वॉर और उसकी जो ऑफसेट में एज अ बीइंग अ पार्टनर ऑन दैट वॉर वो आपको बहुत सारे डॉलर मिल रहे थे. तो वो गवर्नमेंट की जो बजट था ना वो हमेशा खुला होता था. यू कुड डू डेवलपमेंट डिलीवर टू द पीपल. ये सड़कें गैस बिजली
ये काम बहुत हुए थे उस गवर्नमेंट के दौरान. फिर जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था वो एम्पावर्ड था उस ज़माने में, उनकी डिलीवरी भी थ्रू दैट चैनल भी गवर्नमेंट आवाम को काफ़ी देर थी. इकोनॉमी वॉज ग्रोइंग एट 5-6% ईयर, सो देर वॉज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लिंक्ड विद दैट गवर्नमेंट. सो उस लिहाज से तो वो एक यू नो एक गवर्नमेंट ऐसी थी जिसमें जिसने लोगों को डिलीवर किया था ग्राउंड के ऊपर. बट इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस आई वुड से कि वो इट कुड हैव बीन बेटर, यू नो उसमें ठीक था, मतलब देयर वाज नथिंग स्पेशल अबाउट इट. बट क्योंकि उसमें ज़माने में भी करप्शन एंड ये ठेकों में गलियां नालियां छोटी हर चीज में पैसे बनाए. करप्शन आई फील लाइक देखें करप्शन इट्स आल्सो एन ऑफसेट ऑफ डेवलपमेंट पर से आल्सो. या एंड आल्सो आई फील लाइक करप्शन को आप आई डोंट वांट टू से द वर्ड जो कि उस तरह से पहले भी वो हो चुका है, बट करप्शन हमने देखा कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में बाय एंड लार्ज होती रही है. एज दे सॉर्ट ऑफ डेवलप देमसेल्व्स क्रिएट द चेक्स एंड बैलेंसेस तो वो खुद से बेहतर हो जाती है. मेरे लिए ज़्यादा अब मैं ना ठीक है करप्शन है दैट कॉन्वर्जेशन इज़ वेरी पॉपुलराइज, बट ज़्यादा मेरा क्वेश्चन इस पर आता है कि ओके कॉम्पिटेंस कितनी थी, जो डिसीजंस लिए गए वर दे स्मार्ट डिसीजंस. करप्शन तो आप दोनों डिसीजन जो ए हो या बी हो उसमें करप्ट हैं तो करप्शन तो करनी करनी है, बट द क्वेश्चन इज व्हाट वर दोज डिसीजंस टू बिगिन विद, राइट. व्हेन आई आस्क्ड फॉर द गवर्नेंस सिस्टम माय क्वेश्चन प्रॉब्ली वॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि लुकिंग बैक वॉट फेलियर्स वी सी इज कि उस टाइम के ऊपर आपने डॉलर को पैग रखा, 60 रुपए का डॉलर था जिसका मतलब ये कि जो एक्सेस कैपिटल आ रहा था जो कि बहुत सारा आ रहा था दैट कुड हैव रियली क्रिएटेड अ सक्सेस स्टोरी फॉर पाकिस्तान टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो 5-6% कोट होता है और वो 5-6% ज़ियाउल हक साहब के टाइम पे भी कोट होता है और वो 5-6% अयूब खान साहब के टाइम पे भी कोट होता है. पहले टाइम पे इकोनॉमिक एड थी, दूसरे टाइम के ऊपर वॉर, तीसरे टाइम के ऊपर वॉर. एंड ऑनेस्टली इट समटाइम्स फील्स लाइक कि वी आर स्टिल नाउ वेटिंग फॉर कि अब जो 2020 वाला डेकेड है उसमें कहीं से हमारा ये वाला जैक लग जाए, राइट. एंड इट फील्स लाइक इनसैनिटी टू कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन वेयर यू टेक फ्री मनी एंड यू डू टन्स ऑफ डेवलपमेंट विद इट. एंड जब डॉलर पैक्ड होता है और आप एकदम से एक अच्छे टाइम दिखाना शुरू हो जाते हैं तो जो पॉपुलेशन है उनको ये भूल होती है कि हमारा बहुत गुड सीन है, जो कि पाकिस्तान को भी उस टाइम पे भूल हुई कि बैंक्स आ गए हैं, टेलीकॉम आ गया है और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं. हम वेर अ गुड प्रोडक्टिव नेशन वैन इनहेरेंटली वी वर्ट. वी नो टुडे वेरी वेल कि वी आर नॉट ए वेरी प्रोडक्टिव नेशन, वेर अ कंज्यूमिंग नेशन. हमें फ्री पैसा दे के हमसे माल ट्रेड करवा लो जो हम इम्पोर्ट करते हैं हम कर लेंगे, लेकिन वी डोंट प्रोड्यूस बाय एंड लार्ज अ लॉट. जब उस टाइम के ऊपर ये गवर्नमेंट्स थी डिड दे so within the governance system was there not pushed back, opposition exist nahi karti thi, ya do you think ke hamari jo leadership rahi hai uski evolution hi kabhi itni nahi hui ke jo evolution of thought hoti hai ke wo in cheezon ko samajh sake. matlab agar mere liye na question mark ye aata hai ke abhi jo last pdm government mein unki apni party ke miftah ismail aaye aur unhone aake badi acche policy decisions bole aur unko बड़े डिसऑनरेबली साइड पे करके इसहाक डार साहब को लाया गया और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने इंप्लीमेंट की माइंड बॉगलिंग, इट वाज माइंड बॉगलिंग. लाइक इट वाज एनी रैशनल माइंड वुड बी लाइक यार ना इसका आपको पॉलिटिकल फ़ायदा होगा ना इसका आपको कोई डेवलपमेंट का फ़ायदा होगा. ये इतना इन सर्कमस्टांसिस में ये इतना शॉर्ट टर्म है जो हमें नज़र आया उसके बाद कि 220 पे रखा और फट के 285 पे गया डॉलर. बिल्कुल ये इतना बुरा होगा कि इवेंचुअली यू आर गोइंग टू जो आज उनकी हालत है सबको पता है क्या हालत हुई भी है वो हालत उनकी अपनी मेकिंग है. एग्जैक्टली. बट सम हाउ मतलब आई हैव ट्राई टू रैशनलाइज दोज 12 मंथ्स के व्हाट वाज इट इन इट फॉर देम एंड आई डोंट नो मे बी कुछ ऐसी गेम खेली गई हो जो कि मुझे नहीं पता. बट अगेन सिमिलर टू नाउ कमिंग बैक बिकॉज नाउ आई एम रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या ऐसा गवर्नेंस सिस्टम होगा पाकिस्तान में जो कि आप वो इंजन बना दें एंड देन एवरीथिंग विल फिक्स इट्स ओन सेल्फ एवोल्यूशनरीली. इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि जब वो एक हाइब्रिड सिस्टम एग्जिस्ट करता था वॉज दैट सिस्टम सस्टेनेबल, वॉज दैट सिस्टम डूइंग गुड एंड वुड हैव डन गुड आफ्टर द वॉर ऑन टेरर वॉज ओवर एंड द फ्री मनी हैड स्टॉप्ड. देखिए उसमें जो एक कार्डिनल मिस्टेक हुई थी उस जमाने में वो ये थी कि पाकिस्तान के पास चॉइस थी कि आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी भी बन सकते थे
और या फिर आप डॉलर आया है बाहर से चीज़ें मंगाओ और ऐश करो. एंड वी अनफॉर्चुनेटली वी चोज द अदर रूट. इट वॉज द ईजी सोल्यूशन. इट वॉज द सोल्यूशन के क्विक फिक्स था. पार्ट्स मंगाओ, गाड़ियाँ बनाओ, पार्ट्स मंगाओ, मोटरसाइकिल बनाओ, चाइना से सस्ती चीज़ें ले लो, खुद कुछ नहीं प्रोड्यूस. सेमब्लेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, खुद सेमब्लेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड क्विक सेमब्लेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी. राइट. और वो आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन. उस जमाने में ये डिसीजन लिया गया था कि हम वी बिकेम एन इम्पोर्ट बेस्ड कंज्यूमर इकोनॉमी. और वो दैट हॉन्टेड पाकिस्तान फॉर द ईयर्स टू फॉलो. क्योंकि वो जमाना था जब आपके पास पैसे थे, यू कुड हैव गॉन टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, यू कुड हैव एक्सपेंडेड योर इंडस्ट्रियल बेस एंड मेड इट इनटू एन एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी. अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ उस जमाने में. एंड दैट वाज द बिग सॉर्ट ऑफ मिस्टेक व्हिच हैपेंड, बिग फेलियर ऑफ दैट गवर्नमेंट आई वुड से. वेदर उसके ऊपर थॉट, उस वक्त थॉट प्रोसेस था या नहीं था, आई थिंक था जरूर, लेकिन वो अगेन पोलिटिकल एक्सपीडियंसी जो थी दैट टुक ओवर. उन्होंने कहा कि जी अभी आ रहा है डॉलर, आगे भी आता रहेगा, तो लेट्स गेट ओवर दिस इलेक्शन और उसके बाद पर देखी जाएगी. अनफॉर्चुनेटली जब वो इलेक्शन हुआ तो यू नो अल्लाह ताला हैज़ हिज ओन वेज ऑफ क्रिएटिंग डायनामिक्स. वो डायनामिक्स ही चेंज हो गए सारे. इधर यू नो एक वो लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, उसकी फॉल बैक आ गई. उधर यू नो बीबी की शहादत हो गई एंड द होल इलेक्शन चेंज्ड विद इन टू मंथ्स. और वो जो सारी डेवलपमेंट थी और वो जो कंज्यूमर गुडविल थी, जो लोग खुश थे मोटरसाइकिलों पे, उनके पास जो मोटरसाइकिल वाले थे वो गाड़ी पे आ गए थे, ऑल ऑफ दैट वेंट फ्लैट. बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान बिकेम अ कंट्री जो कि यू नो फंस गया है इम्पोर्ट ड्रिवन कंज्यूमर इकोनॉमी के अंदर. हमने चीज़ भी खानी है तो बाहर से आ रही है, हमने मक्खन भी खाना तो बाहर से आ रहा है. और हालांकि और सेम टाइम पे इंडिया में एक डिफरेंट डिसीजन लिया गया था. यू नो उधर उन्होंने ये कहा कि जी इम्पोर्ट्स को कटेल करो और कुछ अरसे के लिए आप रोक दो, अपने मुल्क में बनाओ. अच्छा नहीं होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा. एंड लुक यू नो वेयर दे आर राइट नाउ, वेयर देयर इकोनॉमी इज राइट नाउ. सो दोज डिसीजंस वर टेकिंग इन दैट ईरा. और वो हमारा आई थिंक गलत डिसीजन था. एंड इफ आई वर टू आस्क यू 2007 से लेकर 2018, 11 इयर्स सिंस देन, दरमियान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देखी, फिर पीएमएलएन की गवर्नमेंट देखी, हाउ डिड यू सी द एवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट टाइम, पोस्ट वॉर ऑन टेरर, फ्री हैंड आउट दैट स्टॉप्ड. अगेन व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज पाकिस्तान में ना हमारा एक बड़ा मसला ये है कि जब हम हाइंडसाइड में देखते हैं ना, तो हमने अपने पॉपुलर डिस्कोर्स में सिर्फ और सिर्फ डिस्कोर्स ये रखा है कि वो गवर्नमेंट थी वो चोर थी, वो दूसरी गवर्नमेंट भी चोर थी, वो वाले कहेंगे कि मेरी गवर्नमेंट चोर थी. नोबडी विल एनालाइज पॉलिसीज. हर किसी की पॉलिसीज हैं, कोई पर्टिकुलर एक थॉट प्रोसेस के साथ आया हुआ है, वो पॉलिसीज हैं, वो गुड और बैड हो सकती हैं, एंड वी कैन टेक दैम एंड वी कैन एनालाइज दैम. हाउ वुड यू कॉन्टेक्चुलाइज द पॉलिसीज ऑफ लेट से काफली की जो अर्ली 2000s की गवर्नमेंट थी, वो तो हमें नज़र आ गया, हमें समझ आ गया, उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिबेट होकर उसको डिकन्स्ट्रक्ट भी कर लिया गया है. बट वॉट अबाउट द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट एंड द नून लीग गवर्नमेंट, वॉट डू यू थिंक वॉज हैपनिंग देयर, एंड वॉज दैट वॉट वॉज यूजफुल एंड वॉट वॉज डेट्रीमेंटल ड्यूरिंग. मेरा ख्याल में जो 2008 से 18 का डेकेड था ना, वो इट वॉज द डेकेड ऑफ द डेट ट्रैप. ओके. ये वो टाइम था जब बाहर से डॉलर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन आपके जो डोनर्स थे आपको लोन्स देने के लिए तैयार थे. वो लोन्स क्या थे? वो आपको देवर फैट लोन्स गिवन फॉर प्रोजेक्ट्स जिनका रिटर्न आपको नहीं मिलना था इन प्रोडक्टिव टर्म्स, और वो पाकिस्तान को इंडेट कर जाना था. तो वो हमें उस डेकेड में ये सोचना चाहिए था कि ठीक है मोटरवेज बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इतनी महंगी मोटरवेज इसी वक्त हमें ये चाहिए या कुछ और पाकिस्तान के लिए बेहतर है? ठीक है ऑरेंज ट्रेन चाहिए लाहौर को, लेकिन क्या इस पैसे से कोई पाकिस्तान की हेल्थ या एजुकेशन में हम और बेहतरी भी कर सकते हैं? एंड वी चोज टू टेक दोज डिसीजंस अगेन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड आई वुड से यू नो वेस्टेड इंटरेस्ट, जिन्होंने फ़ायदा कमाया उस चीज़ से. वो लोन्स आए, उससे हमने इधर उधर रियाशी की, और उसके बाद वो लोन्स पाकिस्तान पर चढ़ गए, और अब हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं क्योंकि वो लोन्स अब चढ़े हुए हैं. वो आई पी पीज़ वाला एक डेकेड था जब वो यू नो आई पी पीज़ का एक मेजर चंक एनर्जी सेक्टर को इंडेट कर गया था. फिर ये आया था जो जिसने मेगा शॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए गए, महंगे कीमतों पे किए गए, और वो हमें
you know, फंसा के चले गए in the present scenario. 13 से 18 में तो चले, आई एग्री विद यू के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई और उसको आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इट वॉज एक्सपेंसिव एंड इट वॉज मे नॉट हैव क्रिएटेड दी वाजंट बेस्ड ऑन आवर ओन रेवेन्यू. या तो हम इतना पाकिस्तान में कमा रहे होते थे, हम कहते हैं कि यार हमने लगा दिया इसको, हम बाहर से बोरो करके सब लगा रहे थे, राइट. और वो मुल्कों में वो भी होता है कि यू नो बोरोड डेवलपमेंट होती है, लेकिन उसमें यू नो अगेन प्रायोरिटाइजेशन आपको चाहिए होती है कि क्या चीज़ जरूरी और क्या चीज़ नहीं. व्हाट अबाउट 8 to 13, बिकॉज उसमें तो माई अंडरस्टैंडिंग इज देयर वाज नो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. 8 to 13 में तो सक्शन पंप लगे हुए थे और जो कुछ बनाया गया था उन्होंने वो आके वो निकाल के तो पैसा, यू नो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वॉज अ वेरी करप्ट गवर्नमेंट एट दैट टाइम. उस आपको याद होगा उस ज़माने में वो अपने मिनिस्टरों को करप्शन में निकाल रहे होते थे, प्राइम मिनिस्टर शायद 2 चेंज हुए थे, तो वो एक यू नो इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ अयाशी वाली गवर्नमेंट कि पैसा है यू नो रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है ऐश करो. आपके क्योंकि आपकी अर्ली लाइफ के अंदर योर फादर वाज, मैंने भी एक नारा चला था ना कि वो लुटो तो भुटो. योर फादर वाज फ्रॉम द पीपल्स पार्टीज गोल्डन एरा, राइट? दैट वाज द व्हेन भुट्टो वाज द इमरान खान ऑफ द टाइम, वन वुड से. एंड देन ही वाज आल्सो विद बीबी, यू नो 88 के अंदर, राइट? सो मैं रिसेंटली आई वाज इन दुबई एंड आई वाज स्पीकिंग टू समवन हु हैड प्रीवियसली बीन विद MQM एंड यू नो वी वर डिस्कसिंग People's Party and their leadership, and I get to hear a lot about in the mainstream media and the mainstream narrative as well. Okay, you know, ek zardari sab pe bhari baba, dekho kya political mastermind hai. And we were discussing how, again, for in my opinion, what had happened in 2007 was that People's Party ko through you know just the turn of events. बहुत मैसिव सपोर्ट एंड पॉपुलैरिटी मिली अक्रॉस पाकिस्तान, जिसके लिए उनकी एक जो मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ दैट टाइम फॉर अ फ्यू डेकेड्स हैड पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली. एंड पॉलिटिकल कैपिटल वाइज इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, राइट? किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो मिली हो. अ स्मार्ट लीडरशिप वुड हैव कम इन एंड सीमेंटेड देमसेल्व्स फॉर इटर्निटी, बिल्कुल, राइट, इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, बिकॉज दे हैव द अपॉर्चुनिटी. पाकिस्तान जस्ट कम आउट ऑफ लाइक वो जो जो आपका फाइनेंसेस हैं वो थियोरेटिकली बड़े अच्छे हैं, यू नो पीपल आर हैप्पी, देर खुशी, देर कंफर्टेबल, बाइक्स हैं, सारा कुछ है. आपने कुछ सर्टन सिम्ट दुरुस्त करके आपने अपने आप को सेट कर लेना. व्हाट आई सॉ ऑन द अदर हैंड वाज के पीपल्स पार्टी कम्प्लीटली रेलीगेटेड इटसेल्फ आउट ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान. बिल्कुल उन्होंने अपने आप को लोकल एक सिंध के उसमें पावर कॉरिडोर में वो कर लिया और एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव ये बड़ा क्लियरली बन गया, आज भी बन गया. मैनूवरिंग जितनी भी लेफ्ट राइट कर लें, पॉलिटिकल कैपिटल वाइज बियॉन्ड द हॉर्समैन दैट दे कैन ट्रेड, आम पब्लिक को आप चार बंदे को उठाएं जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, दे विल नेवर लुक बैक एट पीपल्स पार्टी अगेन. सो दे लॉस्ट ऑल ऑफ दैट, राइट? एंड सो फॉर मी आई डोंट सी दैट एज एक्सेलेंट पॉलिटिक्स, आई सी दैट एज एब्सोल्यूट फेलियर. कि आपने उन 5 साल के अंदर आपने जो भी XYZ पैसे कमाए होंगे वो बड़े शॉर्ट टर्म थे, आपने लॉन्ग टर्म के ऊपर एक कम्प्लीटली लेगेसी डिस्ट्रॉय कर दी. हाउ डू यू सी एज समवन हूज फैमिली हैज़ बीन फॉर्मली पीपल्स पार्टी दिस एब्सोल्यूट लॉस ऑफ पोलिटिकल कैपिटल, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान? आई थिंक इट्स अ लॉस फॉर द पार्टी, बट मोर सो अ लॉस फॉर पाकिस्तान. एक इतनी बड़ी पोलिटिकल पार्टी जो सारे पाकिस्तान को उस वक्त जोड़ के रखती थी, पीपल्स पार्टी उस ज़माने में हर कोने में मौजूद थी पाकिस्तान के, इट लॉस्ट इट्स पोलिटिकल कैपिटल. एक बड़ी इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ, आई थिंक इट वॉज 2001 के अंदर, मैं कराची गया था एक शादी में, मुझे हाकिम जरदारी साहब मिले, जरदारी साहब के जो मरहूम वालिद साहब हैं, उन्होंने बड़ी एक मुझे बात की जो अभी तक मुझे दिमाग में याद है. उन्होंने कहा कि मैंने उनको पूछा, उन्होंने मैंने कहा जी मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स, वन इज़ प्रिंसिपल पॉलिटिक्स जिस पर आप प्रिंसिपल पर खड़े होते हो तो डोंट वरी अबाउट पावर के आएगी कि नहीं, आ जाती है पावर भी और नहीं भी आती. दी अदर वन इज़ पावर पॉलिटिक्स, उसमें आपने पावर लेनी है नो मैटर वॉट, एंड यू नो द प्रिंसिपल्स आर नॉट टू बी डिस्कस्ड, दे कैन ऑलवेज बी कॉम्प्रोमाइज्ड. और उन्होंने कहा कि ये एट एन अर्ली स्टेज इन लाइफ आपको डिसाइड कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद आपको दोनों को आपस में कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू कॉन्ट डू बोथ. तो मैं कई बार सोचता हूँ कि यू नो पीपल्स पार्टी वॉज अ प्रिंसिपल पार्टी, इसके बड़े स्ट्रॉन्ग नज़रियाती क्रेडेंशियल्स थे,
Bhutto sahab, phir Benazir sahiba, you know, they laid down their lives for those credentials. But somewhere along the line, they lost that. They got into the power mode. और वो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा यार उन्होंने छोड़ो तो प्राइम मिनिस्टर बनना हमने हर सूरत में एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे लॉस्ट द पब्लिक आल्सो या बिकॉज़ पब्लिक कैन सी थ्रू दैट पब्लिक बहुत सारी दुनिया में और पाकिस्तान की स्पेशली बहुत अवेयर पब्लिक है सो दे कैन सी थ्रू योर गेम्स के आप समझो कि मैं इनको बेवकूफ बना लूंगा वो नहीं होता एंड सो यू नो उसकी वजह से वो फिर आस्ते आस्ते कम होते होते पंजाब से अब सिर्फ एक प्रोविंशियल सेंट्रिक पार्टी रह गई है सो बट एज आई सेड इट इज़ अ लॉस फॉर पाकिस्तान के एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री गॉट रिड्यूस्ड विद सच अ लॉन्ग हिस्ट्री दैट कुड हैव सच अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड सच अ रिच हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली गॉट डिमिनिश्ड डू यू थिंक इफ आई वर टू लुक एट द रीजन एंड यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स वन वे ऑर द अदर If I were to look at the region in India and Sri Lanka most recently, it seems like jo ye legacy parties hain and more so legacy families hain India mein Congress and then Sri Lanka mein jo unki family thi that got dethroned recently. Mujhe as a data analyst lagna ye shuru ho gaya hai ki there is a certain evolution that developing world particularly in this region is going to have irrespective wo chahe aap usse keh lein access to information hai chahe aap usse keh lein ke nayi jo youth hai wo jin ideals se grow kar rahi hai but somehow it seems like they are able to reject one way or the other aap usse lad sakte hain theek hai aap uska aap ek purane nizam mein aap control mein hain to aap usko delay kar sakte hain but the inevitability is that eventually the whole power politics games khelne wali politics compromising politics tends to have no takers in the longer run kyunki wo hota ye hai ki hard power is very costly it's very tiring aur hard power aap karte hain but slowly and steadily wo jo hai na wo ghis jate hain jo the screws that hold it all together and the way that I see Pakistan is I see maybe because of our own flirtation with hybrid systems be a decade behind let's say India or jisme wo jo evolution of political thought of the mass public wo shayad thoda peeche hai but wo ja usi direction mein rahi hai and so one would argue ke it's a loss for Pakistan but maybe that was an inevitability considering kyunki congress ka bhi yahi tha it's largely a single party a single family party वही उसको वो करते हैं और आज आप देख लें आप जितना भी लेफ्ट राइट कर लें आप जितना भी बाहर से भी प्रेशर आ जाए ऑफ 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 लेट्स से बीजेपी डूइंग दिस और दैट द वे दैट आई सी इट इज पीपल आर जस्ट सो सिक ऑफ द कन्वेंशनल लेगेसी पॉलिटिक्स दैट फॉर देम बीजेपी एंड मोदी इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एंड इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियली समवन फ्रॉम द ग्राउंड गोइंग अप करप्शन वगैरह आई एम श्योर उनके भी दास्तानें होंगी अभी रिसेंटली एक बहुत मेजर यू नो वो पंप हुई अदानी ग्रुप पंप हुआ था जो कोलैप्स हुआ है और उसमें बड़े उसके किस्से चल रहे हैं विच इज़ व्हाई आई सेड कि करप्शन इज आई डोंट सी दैट एज अ वे टू गेज कि किस तरह से हो रहा है बट इफ आई वर टू लुक एट द फ्यूचर डू यू थिंक वी आर फॉलोइंग द सेम पाथ वे आई थिंक वी आर फॉलोइंग द सेम पाथ वे जिस तरह आपने कहा कि इनएविटेबल है पाकिस्तान के लिए लेकिन मे बी द ट्रांजिशन इज गोइंग टू बी मच स्लोअर देन देन आर नेबर बिकॉज यहाँ पे और बहुत सारे डायनामिक्स हैं पॉलिटिक्स में जो वहाँ पे नहीं है बट एज आई सी एट यू नो फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान में आई सी ये थ्री डीज की पॉलिटिक्स जो है ये मुझे नज़र आती है और वो है कि पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी कि लोग ये देखना चाहते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो आप डिलीवर भी करते हैं कि नहीं करते या ये कि जो इस वक्त पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं महंगाई है भूख है बिजली का मसला है इसके लिए क्या सलूशन है आपके पास जो एक पॉलिटिक्स ऑफ स्लोगनेरिंग है ना कि नारा लगा दिया कि फलाना आ गया था सबसे भारी तो एक बारी फिर ये नारे हैं हाँ। ये नारे जो हैं ये आपको ठीक है जलसों में गर्म कर लेते हैं लेकिन डोंट हैव एनी सोल्यूशन अटैच टू दैम राइट तो ये पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी पाकिस्तान को चाहिए जिसपे आप सोल्यूशन दें और कहें कि जी जिन पार्टीज ने किया है वो बताएं कि जी हमने ये किया है और आज के मसाइल का हमारे पास ये हाल है यू नो 1 2 3 4
दूसरा आई थिंक पॉलिटिक्स ऑफ डिसेंसी हैज़ टू कम बैक इन पाकिस्तान. अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड एनवायरनमेंट एक बना दी है, और स्पेशली जब ये सोशल मीडिया से एकदम एक नया प्लेटफॉर्म मिला, एक पूरी जनरेशन को एक प्लेटफॉर्म मिला विदाउट एनी कर्व्स, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, वो हर किसी को यू नो उसमें हर किसी की पतलून उतार देनी, और ज़्यादा लाइक्स उसी को मिलते हैं जो ज़्यादा बड़ी गाली देता है. सो दैट पॉलिटिक्स ऑल्सो हैज़ टू एंड इन पाकिस्तान. यू नो वो फ्यूचर में सस्टेनेबल है ही नहीं उस तरह की पॉलिटिक्स. So, you know, second is, first one is delivery, second is decency, and third, I think, is the politics of democracy within parties. Ke parties ke andar abhi ek system hona chahiye, har duniya ki aap democracies mein dekhen, to, you know, have new leadership emerge and then take over. Wo yahan pe gaddari samajhi jaati hai, ki ji, aapne baat kyun ki hai? Wo yahan pe to ek centric, jis tarah aapne legacy ki baat ki, ya ek... पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स है. यू नो भुट्टो के साथ भी थी, फिर नवाज शरीफ के साथ भी है, और फिर खान साहब के साथ भी है. वो जो पर्सनैलिटी कल्ट वाली पॉलिटिक्स है वो इज डैमेजिंग इन दी लॉन्ग रन. हाँ मतलब इसके मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. कल मैं रात को ट्विटर पे देख रहा था कि वो एक पूरी चीज़ चल रही थी कि एक साइड कह रही थी कि जी SMQ वॉन्ट्स टू बी द चेयरमैन, दूसरी साइड कह रही थी असद उमर साहब जो है वो एक्चुअली जो है ना वो यूँ करना चाहते हैं वो चेयरमैन. और लोगों ने ऐसे कहा था देखो जरा वो चेयरमैन बनना चाहते हैं. मैंने कहा यार ऑब्वियसली एक पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन ही वॉन्ट्स टू गो एट द टॉप, राइट? कुर्सी खाली होगी तो किसी ने तो बैठना है, बैठना है. इसमें तो वाई आर वी एक्टिंग लाइक चिल्ड्रन वेयर वी समहाउ थिंक दैट नोबडी, इट्स बेसिक ह्यूमन नेचर, राइट? कि दे एनी वन, एक बैंकर है वो CEO बनना चाहता है, एक शॉपकीपर है वो बड़ा स्टोर बनाना चाहता है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी एट द टॉप ऑफ देयर गेम, जी बिल्कुल, राइट? वाई डू वी अवॉइड दैट? तो वो आई थिंक बेटर लॉजिकल वो विल बी के अगर स्पेस है, अगर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं तो यस यू कैन. पार्टीज के अंदर देखना स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड एवेल्यूएशन होनी चाहिए विद इन द पार्टीज. अब तो जमहूरियत की बात तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बहुत करते हैं, लेकिन विद इन द पार्टीज भी वो हमें प्रोसेसेस चाहिए ताकि जो अच्छी लीडरशिप है वो इमर्ज करे, फिर टॉप तक जा सके. और जो अगर आपकी टॉप की लीडरशिप नहीं परफॉर्म कर रही तो वो चेंज हो जाए और दूसरी आ जाए. सारी दुनिया में अब इसी तरह होता है जो पोलिटिकल पार्टीज हैं. तो ये तीन डीज आई थिंक इनएविटेबल हैं पाकिस्तान में भी, बट जो टाइमिंग है वो यू नो दैट्स डिबेटेबल कि जल्दी होगा या देर से होगा. बट दिस आपके पास एक नई जनरेशन है, यूथ है, उन्होंने वो पुराने दौर नहीं देखे हुए भुट्टो के या इवन यू नो नवाज शरीफ के. वो एक अपना थॉट प्रोसेस रखते हैं, एंड आई थिंक एक अच्छी नई लीडरशिप आनी चाहिए. बड़ी बड़ी वाइब्रेंट यूथ है पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त डिस्पोंडेंट है, उसको होपलेसनेस है, right. तो वो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट. और पाकिस्तान के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, सोल्यूशन मौजूद हैं. एक मुश्किल पीरियड है, लेकिन नेशन बिल्डिंग में मुश्किल पीरियड आते हैं. तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से भाग जाओ, वीज़ा लगवाओ तो बाहर चले जाओ. इंशाल्लाह यहीं पे रह के इसको फाइट. आई फील लाइक डिस्पोंडेंट टाइम्स टेंड टू आल्सो समटाइम्स क्रिएट द बेस्ट सॉल्यूशंस एज़ वेल. थोड़ा सा बिल्कुल होपलेसनेस आती है, फिर उसी में से क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है. इफ आई वर टू टॉक अबाउट द 3 Ds दैट यू स्पोक अबाउट, राइट? पहला आपने कहा डिलीवरी आई थिंक ग्राउंड अप है. कंज्यूमर डिमांड अब आना शुरू हो गई. आई फील लाइक कि वो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि नारे पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे लोग, तो इवेंचुअली आपने कहीं ना कहीं डिलीवरी की बात करनी है. और इसके मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि आई स्पोकन टू मल्टीपल पीपल ऑन द पॉडकास्ट. यूड बी सरप्राइज इफ समवन इज कमिंग इन एंड सेइंग वो चोर, तो नीचे कमेंट सेक्शन क्या होता है. एंड इफ समवन इज कमिंग इन एंड एक्चुअली गिविंग इनसाइटफुल सॉर्ट ऑफ नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड देयर पोटेंशियल सॉल्यूशंस, उसके ऊपर कमेंट सेक्शन बड़ा फर्क होता है. तो कंज्यूमर अब जो है ना वो डिफाइन करेगा कि लैंग्वेज क्या होगी. तो आई थिंक डिलीवरी इज आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें एवोल्यूशन ऑफ थॉट में जा रहे हैं जिसमें वो डिलीवरी विल बिकम सेंट्रल. फिर आपने दूसरी बात बोली डिलीवरी डेमोक्रेसी एंड द डिसेंसी. डिसेंसी, राइट? अच्छा डिसेंसी में मेरा एक काउंटर थॉट है, और वो काउंटर थॉट ये है कि इसमें हम वेव्स देखते हैं, और हिस्टोरिकली हमने वेव्स देखी दुनिया भर में डिफरेंट जो डेमोक्रेसीज होती हैं. जैसे जैसे वो कंट्रीज़ अगेन उसमें सर्टन चीज़ें नहीं इमर्ज करती ना. प्राइवेट मीडिया जब आया तो डिसेंसी एकदम से डिप हुई. क्यों? क्योंकि पहले आपने हर चीज़ इंफॉर्मेशन कंट्रोल जब आप रखते हैं तो आपने एक सर्टन थॉट प्रोसेस कंज्यूमर के दिमाग में डाला हुआ होता है. जैसे ही इंफॉर्मेशन फ्लो थोड़ा सा खुलता है तो कंज्यूमर को थोड़ी सी असलियत नज़र आती है. असलियत नज़र आती है तो बिट्रेयल आता है. बिट्रेयल नज़र आता है तो एग्रेशन आता है. अच्छा एग्रेशन हमेशा रहेगा नहीं. एग्रेशन आएगा, यू विल रिकनसाइल विद द न्यू रियलिटी एंड देन यू विल गो बैक.
प्राइवेट मीडिया आया तो तब भी हमने वो देखा कि द पॉलिटिक्स ऑफ डिसेंसी एकदम से डिप लेती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका पीक आएगा और फिर वो वापस नॉर्मलाइज होगी व्हेन पीपल विल गेट विद द प्रोग्राम के साथ दिस इज़ द न्यू नॉर्मल. पाकिस्तान में और ग्लोबली एक्चुअली ये मसला आया जिसमें पोलराइजेशन हमने अमेरिकन पॉलिटिक्स देख लें, आज ट्रंप के साथ देख रहे हैं वो देख लें, बाय एंड लार्ज उसको लोग जितना भी कह रहे ना कि देखो ये क्वैक्स आ गए, पॉपुलिस्ट्स आ गए, लीडर्स को बोलेंगे कि ये लीडर्स का मसला है. और आज भी मैं देखता हूँ पाकिस्तान में भी तो लोग ये कहते हैं कि देखो तेरा लीडरशिप नहीं, वो PPMLN वाले कहते हैं जी PTI वालों ने ये किया. नहीं, PTI वालों ने ब्रीड नहीं किया, आपके लोग भी देर आर पीपल जो PMLN में शरीक थे, बराबर में शरीक थे, हाँ ऐसे ही, और आपके भी लोग शरीक नहीं थे. मेरा मानना यह है कि वो पॉपुलेशन को जब इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई है तो उसमें एक सर्टन फ्रेंज होगी जो गालियाँ देगी. मैं अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मेरा ट्विटर पे कुछ लिखने का तर्ज फ़र्क होगा, एक गांव के बंदे का फ़र्क होगा, राइट? पहले उसको एक्सेस मिला अपने ओपिनियन को शेयर करने का, आज से पहले उसको कभी एक्सेस नहीं था. उसके सामने कोई पढ़ा लिखा बड़ा बंदा बैठता था, वो खामोश चुप करके सीधा होकर बैठता था, घर जाके वो अपनी दिल की भड़ास निकालता था. आज वो ट्विटर पर बैठ के लिख सकता है अपनी दिल की भड़ास. दूसरा, उसको आपने बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ बेची हुई थी. उसका जो लीडर था वो गांव आता था तो वो एक अच्छा परहेजगार नमाजी, अब वो उसको इंस्टाग्राम पे देखता है, वो कहता है यार पार्टियां करता फिर रहे, वो इंग्लैंड में किस तरह है, यू नो द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हैज चेंज्ड. व्हाट दैट इज गोइंग टू डू इज दैट इज गोइंग टू, अब आप बजाय इसके कि आप ये देखें कि यार इस बंदे को वापस लाइन पे लाओ, वो बंदा लाइन पे नहीं आएगा. अभी भी हमारा जो निज़ाम है वो चाह रहा है कि इस बंदे को किसी दिन वापस लाइन पे ले आओ, वो लाइन पे नहीं आएगा. या तो लीडरशिप अपने आप को क्लीन करेगी, वो मॉडल लीडरशिप इमर्ज करवाएगी जिसके ऊपर आप इतने आराम से कीचड़ नहीं उछाल सकते. आप देखते ना, मैं आपको एक बहुत बेसिक सी मिसाल देता हूँ, जिस पार्टी में आप थे उस पार्टी के एक बहुत मशहूर लीडर, उस पार्टी के तो नहीं उनकी एक और पार्टी थी, बट उस पार्टी के एला एक बहुत मशहूर लीडर की एक सेक्स टेप आई और उससे उनकी पॉपुलैरिटी में सिर्फ इजाफा ही हुआ, उससे वो कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, ठीक है. वही पार्टी, वही खान साहब पूरी दुनिया की मिसालें देते हैं कि यार एक ये हो गया तो ऐसे हो जाएगा, एक वो हो गया तो, उसी दुनिया में हम ये भी देखते हैं ना कि एक सेक्स टेप स्कैंडल कैसा कैसा होता है, प्रेजिडेंसीज गिर जाती हैं. पाकिस्तान में नहीं हुआ ऐसे, और वो इस वजह से नहीं हुआ, उसमें आप फिर लोग कहते हैं लोग जाहिर लोग ये लोग वो, नहीं, लोगों की एवोल्यूशन ऑफ थॉट अब होगी. आपको यू विल हैव टू कट लूज दोज नोड्स जो कि इतने ईजिली करप्टेबल रहे हैं, जिनको अगर उठा के लेके जाया जाता है तो उनको दो मिनट के अंदर जो है ना आप ब्लैकमेल कर सकते हैं. विच इज़ वाई मेरा ज़ाती ख्याल ये कि इन दैट एवोल्यूशन द डिसेंसी विल इमर्ज when the politicians will clean up, there has to be a newer lot. aap agar purane faces ko recycle karne ki koshish karenge across all parties, wo faces with the same problem statements, wo faces ab decency nahi encourage karenge, wo faces will attract the same level of aggression because the people have can see through them. Decency will return, but that will return when they will see a certain level of within the parties or within the politicians a certain level of ke yaar theek hai hum apne aap ko ab distance karna shuru ho gaye hain with the things that devastate you the consumer. What ye baat theek kar rahe hain aap, ab jitna dekhe aap talk shows ka trend dekhe aap, talk shows mein jab ye shuru mein khula tha to wo ye bilkul jis tarah wo toto ki tarah lad rahe hote the to log dekhte the unko. But now people don't watch that. People yeah. don't want to see that. Yeah. कि दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं, कोई at the end of the hour, nothing comes out of it. अब people want content, people want, you know, something concrete to come out of that show. और जहाँ पर इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं वो लोग flip कर देते हैं channel. तो I think ये एक evolution, आप बात ठीक कर रहे हैं कि वो होगी, लेकिन eventually we have to move towards that, you know, politics of decency. आपने US की मिसाल दी, वहाँ पे भी यही हुआ कि वो अट्रैक्ट तो बहुत करता है एकदम कि आप गाली निकाल लो, अगले की पतलून उतार दो तो बड़ा खुश होते हैं सारे, बट देर इज़ नथिंग प्रोडक्टिव फॉर द पीपल, राइट? और लोगों को कुछ नहीं मिलता उसमें, सिवाय इसके कि दो मिनट के लिए उन्होंने गाली दे दी यार और किसी को कर दिया. तो अभी भी आप देखें, देर इज़ अ बिग हेट वेव इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, ये एक नेगेटिव वेव है. दिस इज़ महंगाई है, लोग खुश नहीं हैं, और ये नफरत की वेव जो है ये यू नो इसको हमारी पॉलिटिकल पार्टीज राइड कर रही हैं इस वक्त. तो आई थिंक वो उसको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से ले जाने की ज़रूरत है, ताकि उसमें से कोई सोल्यूशन निकले लोगों के लिए, लोगों को कुछ मिले उसमें से, बजाय इसके कि आज इसको गाली दी तो कल उसको दी, कल परसों किसी और को दी, और आवाम वहीं की वहीं खड़ी. मुझे बताएं, देखें मैं बड़ा ओपनली आपसे बात करूँगा. खान साहब की गवर्नमेंट में ना देयर वर सर्टेन कैरेक्टर्स
that I could never reconcile with. खासकर जो उनके मीडिया पे आते थे ना कैरेक्टर्स, फिर दो साशी कवान साहिबा थी, शहबाज गिल साहब फिर आ रही हैं, और वो तीसरे पंजाब में फयाज असल चौहान साहब थे. They were very aggressive. They were very aggressive and they were very negative. इसी का एक फ्लिप साइड हो सकती थी. आप जो है वो किसी पढ़े लिखे आदमी को अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरह आप एक पूरा सेट बनाते. एक पढ़ा लिखा आदमी आता, स्पोक्स पर्सन टू द प्राइम मिनिस्टर होता, और वो हर दिन आके तमीज़ से तरीके से चीज़ों को एजुकेटेड तरीके से ब्रेक डाउन करके बता देता. वो हमने होते हुए नहीं देखा. और हम देखते ये हैं कि जो टॉप लीडरशिप होती है ना, वो मींस टू एन एंड की गेम खेलती है. वो कहती है नहीं नहीं यार यही बिकता है, जो बिकता है वो ठीक है. पढ़े लिखा आदमी मलिक अमीन असलम जो है ना वो दरख्तें लगाएगा, और जो सामने है ना हम अग्रेसिव वल्चर्स को छोड़ देंगे. राइट. एंड आई हैव स्पोकन टू पीपल अक्रॉस पार्टीज एंड आई फाउंड सम इनक्रेडिबल वॉइसेस, इनक्रेडिबल थॉट लीडर्स, जो कि अच्छा जो सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर खामोश पीछे बैठ के काम कर रहा था, सानिया निश्चर हो गई. यू नो दे आर नॉट पीपल जिनको जिनसे आप कॉन्वर्जेशन करें तो पब्लिक छलांगे लगाना शुरू कर देगी, बट दे आर एक्चुअली इनक्रेडिबल माइंड्स. राइट. मुझे हमेशा ये सवाल आता था कि यार क्या वजह है. दो सवाल हैं एक्चुअली, एक थोड़ा सेंसिटिव है बट दूसरा तो स्टैंडर्ड है. कि पहला ये आता था कि व्हाई वुड दीज पीपल अक्रॉस पार्टी लाइंस नॉट वर्क टुगेदर एंड कंबाइंड देयर स्ट्रेंथ्स टू बिल्ड देयर ओन कंबाइंड बेस. जो आपने कहा ना कि 3 D's ऑफ पॉलिटिक्स हैं, तो मुझे तो लगता है कि यार ये आपका मंत्रा हो और इस मंत्रा को लेकर जाएं वो मिफ्ता इस्माइल साहब, शायद खकान अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी के वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हैं, 4-5 वो और लोगों को लेफ्ट राइट कर सकते हैं, आप हैं और बहुत सारे विद इन PTI एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं. मैं मानता हूँ ये बात कि आज कल की जो इलेक्शन आ रही है या शायद उससे अगले इलेक्शन में भी, यू आर नॉट इवन क्लोज टू द इमरान खान वेव. बट इमरान खान इज 73, 74, 72, इधर 70+, नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब आई थिंक इज नियरिंग 70. देर जस्ट ये तो एक डेकेड है एंड देन यूर डन विद लीडरशिप. पाकिस्तान में एक लीडरशिप का फुकदान आने वाला है एंड नो बडी पर्टिकुलरली द एजुकेटेड क्लास और द टेक्नोक्रेटिक क्लास इज सिटिंग देयर इन्वेस्टिंग इन वॉट इज गोइंग टू हैपन 10 years फ्रॉम नाउ. राइट. सो फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ पोटेंशियली. सो मेरा क्वेश्चन उसमें यह आता है कि यार यू नो वॉट, लाइक आज आप जाएँ, आप जाके बिल्कुल सीधा सीधा बोले यार हमने ये 3 D's की पॉलिटिक्स करनी है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, हम जो है वो डिस्कनेक्ट करते हैं अपने आप को. हम शाहिद खकान अब्बासी साहब का मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, वो TV के ऊपर अभी भी नई पार्टी का थोड़ा सा वो दाना डालते हैं, फिर वो आपको नजर आ रहा है कि क्लियरली ही इज़ वेरी क्लोज टू नवाज, PMLN वो लंदन भी गए हुए हैं. तो यू नो लाइक डिसकनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द पास्ट, से कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. तो पहला तो ये सवाल था कि व्हाई इज दैट नॉट हैपनिंग. दूसरा सवाल जो स्लाइटली सेंसिटिव है, देयर इज अ सर्टेन पावर दैट एग्जिस्ट इन दिस कंट्री एंड वी फ्लिप फ्लॉप बिटवीन दैट. राइट. हम दरमियान में कहते हैं कि चलो ठीक है, नहीं नहीं डेमोक्रेसी, फिर एक टाइम आता है जिसमें हमें होता है कि यार पता है पाकिस्तान असल में ऐसा ही है, वो ऐसे ही चलता है, तो यू नो विद इन दैट सिस्टम हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमने किस तरह करना है. चलिए मान लेते हैं कि वो सिस्टम एग्जिस्ट करता है और वो पावर एग्जिस्ट करती है. अगर वो पावर, और हमने देखा कि जब वो पावर हरकत में आती है तो वो सुप्रीमली पावरफुल है, वो पावर आके वाई डू दे कीप ऑन पंपिंग द सेम ओल्ड politics that tends to not only create horrible is horrible at governance, history ne hame dikha diya, but also is increasing the polarization, is increasing all the set of problems that we are seeing. Why don't they pump a potentially educated, structured set of technocrats that can potentially create the politics of 3 D's जो आप बात करें. देखिए ये जो 3 D's की मैंने बात की ना, इसमें there is nothing stopping political parties from taking up these 3 D's. कोई नहीं रोकता आपको. आप जो भी power stakeholders हैं पाकिस्तान के, nobody would stop you from politics of delivery, decency and democracy. They would not stop you. ये तो आप खुद अपने आप को रोकते हैं इस चीज़ से. और दूसरा ये जो आपने डिसेंसी वाली बात की कि वो एक एपिटाइट है एग्रेशन की, एक एपिटाइट है
गालम गलोच की पॉलिटिक्स की और वो बढ़ती हुई एपेटाइट है पाकिस्तान में। तो मुझे एक बार पीटीआई में जो उनके सोशल मीडिया के हेड है वो मिले, तो उन्होंने कहा यार कि हम खुद बड़े परेशान हैं कि जब आप ही यू नो कम्पेयर डिलीवरी एंड डिसेंसी, उसने कहा जब हम डिलीवरी की बात करते हैं यार हम ये काम कर रहे हैं अच्छा इसका ये, तो उस पर कोई पब्लिक जो है ना वो सोशल मीडिया पर हिलजुल नहीं होती, लेकिन हम किसी को गाली दे दें तो एकदम पब्लिक जो है वो आपके साथ खड़ी हो जाए। बट आई थिंक उसका एक फेज़ होता है और वो फेज़ फिर आपका फेज़ डाउन हो जाता है और वो एवेंचुअली यू हैव टू फेस डाउन बिकॉज उसका कोई प्रोडक्टिव आउटकम नहीं है उस चीज़ का और वो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है। दैट्स व्हाई आई फील कि यू नो एक स्पेस है इस वक्त पाकिस्तान में एंड देयर इज अ पॉलिटिकल स्पेस कि ये पॉलिटिक्स यहाँ पे इनएविटेबल है कि यहाँ पे आनी है। और जो आपने जिस तरह बात की जो लीडरशिप है इस वक्त मेन स्ट्रीम लीडरशिप दे आर ऑल अबव 70, वो शायद उनका ये लास्ट इलेक्शन है एंड दे गोइंग टू फेज आउट। तो अगला जो लीडरशिप लेनी है वो कहाँ से आनी है यू नो और वो किस असूलों पे आनी है, किन बुनियादों पे आनी है, कैसे उसने यूथ को अट्रैक्ट करना है, तो आई थिंक उसकी ज़रूरत है जो thought process ki like it's a very short term oriented thought process that I see in Pakistan. There's no long term jis pe koi banda main aapko dekhen chote apne personal business is apne dhande se iski misal de deta hu ye baat bilkul bajaye ki angrezi ki misal hai in the long term everybody is dead iski badi choti si misal is tarah hai ki jo main completely agree karta hu ki yaar aaj main pranks karu na main aaj jaake रोस्ट करना शुरू कर दूं, एक जॉनरा है आप बैठते हैं और बैठ के यूट्यूब के ऊपर ना चार लोगों को बराबर हाँ तो मैं इस तरह की कोई चीज़ कर लूँ तो मुझे अच्छी सी टिकटॉक बना दूँ तो अच्छे फॉलोअर्स मिल जाएंगे हाँ मुझे व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा मिलेगी राइट। और जब मैं 2019 में ये काम शुरू कर रहा था तो उस टाइम के ऊपर मुझे लोगों ने बोला कि यार टिकटॉक की दुनिया में 2 घंटे की पॉडकास्ट कोई नहीं सुनेगा ठीक है। 3 साल मैंने कंजर्वेटिवली किया, 370 थॉट लीडर से मैंने बात की, मुझे लोगों ने बोला कि यार ये तो ना कोई आएगा ना कुछ होगा। आज पॉडकास्ट पूरी एक थिंग है, हमने जब खान साहब के साथ की उसके बाद एवरी पॉलिटिशियन इज़ कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट, एवरी एकेडमिक इज़ कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट, एवरी CEO इज़ कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट। देयर इज एन एपेटाइट सर, देयर इज अ ग्रोइंग एपेटाइट एंड एट दैट टाइम द डिफरेंस हियर वाज देयर वर पीपल हु वर डूइंग प्रैंक्स, आई कैन सी दोज प्रैंकस्टर्स एज वेल, वो पीक हुआ वो डिप हो गया, हम सस्टेनेबली ग्रो कर रहे हैं। फ़र्क ये था कि मैंने नॉइज नहीं सुनी, मैंने खामोशी से अपने काम पे काम किया और मैंने लॉन्ग टर्म की गेम खेली जो कि हम उस टाइम के ऊपर मेरे लेफ्ट राइट बहुत लोग बह गए थे। सो उससे मैंने पर्सनली लाइफ में ये सीखा कि यार यू नो व्हाट यू टेक इट स्लो एंड यू बिल्ड थिंग्स दे आर मच मोर सस्टेनेबल। सो आई जस्ट फील लाइक कि वो जो लॉन्ग टर्म एक अप्रोच होती है ना इन व्हाट यू डू, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप में एक एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके अंदर आज के अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिक्स या जो लीडर्स अपना कर रहे हैं शायद वो अगली इलेक्शन पे ना टारगेट कर रहे हो लेकिन वो बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं फॉर 2028 फॉर 2030। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई एग्री विद दैट। आई थिंक जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया है कि जो एक तो लीडरशिप वैक्यूम पाकिस्तान में आने वाला है, आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 5 years दैट वैक्यूम इज़ गोइंग टू बी देयर, बट यहाँ पर कोई पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जा रहा कि उसको कैसे फिल किया है, मतलब हु इज़ गोइंग टू फिल इट एंड क्या क्रेडेंशियल्स होंगे, क्या तरीका होगा, क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, अदर देन द लेगेसी पॉलिटिक्स जो कि आई थिंक उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। और दूसरा ये है कि जो जिस तरह मैंने बताया कि एक नई पॉलिटिक्स ने जन्म लेना है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान ने इन मुश्किलात का सामना करना है जो कि पाकिस्तान के ह्यूज चैलेंजेस जो कि इस वक्त फेस कर रहे हैं हम, तो उसके सोल्यूशन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर मैंने तो नहीं देखी किसी पार्टी में ऐसी डीप थिंकिंग हो रही हो कि कहाँ पे वो टीम्स हैं, वो प्लान हैं कि अगर कल हमें गवर्नमेंट मिल भी जाती है तो हमने आके करना क्या है अदर देन यू नो राइडिंग द स्टेटस को और वो डे टू डे एक जो बैंड एड पॉलिटिक्स होती है वो करनी है। आई थिंक उसका एरिया है, स्कोप ज़रूर है, बट उसमें एक एफर्ट रिक्वायर्ड है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ही आना चाहिए उस चीज़ को, और आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्टोरेट इन द फ्यूचर। मेक सेंस। मैं इफ़ आई वर टू आस्क सॉल्यूशंस ओरिएंटेड अगर हम बात करते हैं तो यू नो यू हैड अ वेरी डिटेल्ड हिस्ट्री इन इनिशियली एनवायरमेंट एंड देन इवेंचुअली क्लाइमेट चेंज। आई नो फॉर अ फैक्ट 3 major इनिशिएटिव्स दैट you were very vocal about when you were in power. Obviously first one was the billion tree tsunami that eventually converted to 10 billion tree tsunami.
देन द सेकेंड जो कि मैंने मुझे आपकी तरफ से तो इतना सुनने को नहीं मिला बट आई एक्चुअली स्पोक टू समवन जो कि हु वर वर्किंग ऑन दिस एंड दे टोल्ड मी अबाउट यू नो रिवर इंडस एंड जो इंडस डेल्टा है उसके क्या मसाइल इमर्ज कर रहे हैं एंड जो 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 रिवर रिलेटेड पाकिस्तान का वो है ना जिसकी वजह से फ्लड्स भी कॉन्स्टेंटली उसी की वजह से आते हैं बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो रिवर मैनेजमेंट सिस्टम ही मुझे लगता है पाकिस्तान में सही हुआ नहीं जिसमें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बस वो ऊपर पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है नीचे वो सारा का सारा सूखता जा रहा है जिससे वो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन भी है और ओवरऑल वहाँ की एक इकोनॉमी का भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है एंड द थर्ड अगेन विच इज़ वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आई फील लाइक वहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक प्रॉब्लम है और वो नीचे जो है ना वो सुखड़ता जा रहा है ऊपर से पानी जितना जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है तो इफ़ यू वर टू रन मी थ्रू ऑल थ्री ऑफ दी सॉरी और तीसरी जो जो चीज़ है जो कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुई भी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है राइट के किस तरीके से हमने ये फ्यूल रेगुलर फ्यूल वाली गाड़ियों को हटाना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना है आपकी गवर्नमेंट के टाइम पर उस पर बात भी बड़ी हो रही थी रिक्शाज की बात हो रही थी तो अगर आप इन तीन को एज अ स्टार्टर मुझे एक्सप्लेन कर सकें कि व्हाट वाज द थॉट एंड व्हाट ऑल वर यू गाइस एबल टू डू देखिए सबसे पहले तो मैंने जिस तरह आपको बात की कि पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी की ज़रूरत है अब डिलीवरी डज नॉट कम विदाउट प्रॉपर प्लानिंग विदाउट द थॉट प्रोसेस दैट वी टॉक्ड अबाउट और ये जो हमारी ग्रीन डिलीवरी थी ड्यूरिंग द PTI गवर्नमेंट देयर वाज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट उसमें एक पहले हमने ग्रीन एजेंडा पार्टी का बनाया जिस पर मैंने काम किया था उस वक्त और वो पार्टी ने उसको ओन किया और फिर जब KP में गवर्नमेंट बनाई 2014 में तो उसको इम्प्लीमेंट किया सो दिस वाज अ स्ट्रेंज थिंग टू हैपन इन पाकिस्तान जहाँ पे मैनिफेस्टो में आप एक बार एक चीज़ डाल देते हैं उसके बाद आप मुड़ के नहीं देखते कि यार इसका करना क्या है तो आई थिंक वो एक एक एनोमली थी एंड इट हैपन्ड जैसे मैंने पहले आपको बताया बिकॉज खान साहब हिमसेल्फ वॉज वेरी वेल अट्यून टू द ग्रीन एजेंडा और उनकी और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी थी इस चीज़ के ऊपर और उनकी बहुत सपोर्ट थी इस चीज़ के अंदर तभी ये काम हो सका लेकिन KP में हमने स्टार्ट किया एंड वी गेव अ बिग ड्रीम यू नो कि हम एक अरब दरख्त लगाएंगे और नेशनल पार्क्स को अपने बढ़ाएंगे वो हमारा फोकस था ड्यूरिंग दैट टाइम और उसको देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि नहीं जी ये काम नहीं होगा इसमें पैसे खाए जाएंगे ये होगा वो होगा बट स्लोली एंड श्योरली वी हैव बिकॉज वी हैड अ प्लान एंड वी हैड थॉट थ्रू दैट हमने वो काम शुरू किया और उसके चार मेन वजूहात थी जिसकी वजह से वो सक्सेस हुआ पहली वजह ये थी कि इसकी पोलिटिकल ओनरशिप बहुत स्ट्रांग थी और यू नो वो टिम्बर माफिया के साथ जब हमने टेक ऑन किया उनको तो उसमें बहुत हेल्प हुई पोलिटिकल ओनरशिप की राइट टू द टॉप खान साहब तक ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी चीफ मिनिस्टर खटक साहब थे लेकिन एवरीबडी वॉज अलाइन टू दिस सेकेंड ये था कि हमने फ्लेक्सिबल इसका रखा हुआ था डिज़ाइन के नो हम वी वर नॉट स्टक ऑन वन आइडिया कि यार ये इसी तरह करना है काम तो वी हैड टू थिंक के यार किस तरह बेहतर हो सकता है मसलन एक हमने जो आइडिया था कि जी असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन के आप नेचुरल फॉरेस्ट को बचाएं ताकि वो खुद अपने आप को रीजनरेट कर सके कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करें वो दैट केम एज एन आफ्टर थाट इन टर्म्स ऑफ यू नो द होल प्रोसेस तो वो फ्लेक्सिबिलिटी थी प्रोसेस में टू डू दैट थर्ड चीज़ ये थी कि हमने इसकी क्रेडिबिलिटी को जो है ना वो टॉप नॉच रखना है इसकी ट्रांसपेरेंसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो उसके लिए फिर हमने अपना एक प्रोसेसेस तो होते हैं गवर्नमेंट के प्रोविंस लेवल पे फेडरल लेवल पे प्लानिंग मिनिस्ट्री लेवल पे बट वी एडेड अनदर लेयर टू इट विच वॉज कि ये इसकी हम थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट वेरीफिकेशन करवाएंगे और WWF ने इसकी वेरीफिकेशन की और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो ये था कि कोई भी नेचर बेस्ड आप एक्टिविटी करें उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो पीपल सेंट्रिक ना हो लोग उसमें इन्वॉल्व रहें और लोग उसको ओन ना करें और लोगों को उसका फ़ायदा ना हो तो इसमें फिर हमने जॉब्स भी दी लोगों को इन्वॉल्व किया कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया एंड इट बिकेम अ सक्सेस स्टोरी नॉट जस्ट एट द पाकिस्तान लेवल बल्कि दुनिया में वो कामयाब हो गई अभी आजकल यू नो आई एम राइटिंग बुक ऑन दिस एक्सपीरियंस तो जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये देखा कि हमने 2014 में स्टार्ट किया एंड वी अनाउंस्ड आवर फर्स्ट बिलियन एट द एंड ऑफ 2017 2018 के स्टार्ट के अंदर दुनिया के अंदर तकरीबन 15 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बिलियन ट्री प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए और बिलियन का लफ्ज़ यूज़ किया इन दोज ट्री प्रोजेक्ट्स सो दैट शोज़ कि दुनिया देख रही थी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा नारा लगा दिया है ये कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा और क्रेडिबली करेगा कि नहीं करेगा और जब वो हो गया उसका मॉडल
आ गया सामने, तो देन अ लॉट ऑफ कंट्रीज फॉलोड सूट एंड पाकिस्तान एक ट्रेंड सेटर बन गया उस चीज़ के अंदर. इसको फिर हमने जब फेडरल गवर्नमेंट में आए तो वी फॉलोड दैट सेम प्रोसेस, और वो थिंकिंग क्योंकि हुई हुई थी, इसको हमने एक्सपेंड करना था पाकिस्तान की इकोलॉजी के मुताबिक. तो 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका हमारा पहला फेज़ का जो 5 साल का टारगेट था वो 3.2 बिलियन का था. और उसको जब हमने अचीव शुरू करना किया तो दोनों चीज़ में जो दोनों में जो बात यूनिक थी वो एक तो ये थी कि पैसा पाकिस्तान अपना खुद लगा रहा था. वी वर नॉट आस्किंग एनीबडी फॉर मनी, वी वर नॉट आस्किंग एनी डोनर फॉर मनी पाकिस्तान. और ये यू नो द क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान फॉर दिस, बिकॉज आई वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम कि जी ये अपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, ये वर्ल्ड बैंक जिस तरह वो और वो यूएन के इदारे हैं ये लोग भी आना चाहते हैं. तो ही सेड कि नो वी विल स्पेंड आवर ओन मनी बिकॉज ये हमारी प्रायोरिटी है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एक सक्सेस स्टोरी ग्लोबली बन गई कि जी देखें एक मुल्क है जो कि मुतासर है क्लाइमेट चेंज से, जो कि हमारे गलतियों की वजह से पाकिस्तान मुतासर है, लेकिन पाकिस्तान हमें दुनिया में एक सोल्यूशन दिखा रहा है क्लाइमेट चेंज का. सो वी बिकेम यू नो एक बिलियन ट्री का एक ब्रांड बन गया ग्लोबल, जिसको दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स प्रेजिडेंट्स कोट करते थे. बोरिस जॉनसन ने इसको यू एन जी ए के असम्बली में खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ की बिलियन ट्री की. यू नो कैरी ने तारीफ की इस प्रोजेक्ट की, ही कॉल्ड इट द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड. प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना उन्होंने तारीफ की इस पर. तो यू नो इट बिकेम अ ब्रांड लिंक टू पाकिस्तान. और फिर पाकिस्तान को रिकग्निशन मिली एज अ नेचर लीडर इन द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया जिसने नेचर में इन्वेस्ट कर रहा था टू फाइंड अ सोल्यूशन जो कि नेचर की वजह से ही बना है क्लाइमेट चेंज का. और यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हर जगह पे रिकग्निशन मिली और हर जगह पे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया एज ए नेचर लीडर. तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस हमने बना ली थी ऑफ पाकिस्तान एज अ नेचर लीडर, शोइंग द वर्ल्ड कि ये कैसे हमने क्लाइमेट चेंज से डील करना है और क्या उसको प्रैक्टिकल टर्म्स में हम ग्राउंड पे कैसे कर सकते हैं. इसमें जो दरख्त लग रहे थे वो ज़्यादातर रैंडम, जिस तरह एक ज़माने में इस्लामाबाद को रीजनरेट किया था और वो पेपर मलबरी लगा लगा, उसके बाद पोलैंड का क्राइसिस आया. तो इस पर मैंने बड़ी क्रिटिक भी सुनी है कि रैंडम दरख्त ऐसे लगे हुए थे जो कि लोकलाइज थे ही नहीं, चल गए, सड़ गए. हाउ वेल रिसर्च, आई एम नॉट सेइंग आपको आप 100 कोई भी चीज़ करेंगे 100% परफेक्ट होगी, बट व्हाट वाज द फेलियर रेट. एंड दूसरा ये कि जो दरख्त लग रहे थे वो एक तो वर दे डिज़ाइन वर दे आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द रीजन, एंड सेकेंड उस पर कोई फ्रूट ट्रीज़ कोई ऐसी चीज़ जो कि लॉन्ग टर्म में आपको इन्वायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक आउटकम भी देती. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि एक टाइम के ऊपर वो ऑलिव ट्रीज़ का नारा लगा, वॉज दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम. बिकॉज वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो आता है कि यार वाई आर वी इम्पोर्टिंग लाइक $2 billion वर्थ ऑफ पाम ऑयल एवरी ईयर वैन आवर अपेरेंटली आवर क्लाइमेट इज वेरी कंड्यूसिव टू समथिंग लाइक ऑलिव्स दैट कुड प्रोड्यूस ऑलिव ऑयल. इफ़ यू कुड शेयर थॉट्स ऑन दैट. हाँ बिल्कुल, ये उसके ऑफ शूट्स ऑफ द प्रोग्राम. सबसे पहली बात तो ये है कि यू नो जब आप ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं बिलियन ट्रीज़ का, तो यू हैव टू लुक एट द कॉस्ट ऑल्सो. इट इज़ ऑब्वियसली वेरी गुड कि आप सारे ऑलिव के दरख्त लगा दें 1 billion, बट उसकी कॉस्ट विल गो स्काई हाई. इट इज़ वेरी गुड कि आप एवोकाडो लगा दें, लेकिन अगेन द कॉस्ट इज गोइंग टू गो स्काई हाई. सो यू हैव टू सी कि आप किस कॉस्ट ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं. अब मैं सिर्फ आपको कॉस्ट का एक कंपेरिजन दे रहा हूँ, बिकॉज ये अभी रिसेंटली निकला है. पाकिस्तान ने जब KP का प्रोजेक्ट किया तो ये इसका जो PC1 बना था वो 22 अरब रुपए का बना था. 22 अरब रुपए का PC1 बनाया गया था डिज़ाइन. जब हमने ख़त्म किया तो हमने इसको 14 अरब में ख़त्म किया. सो दिस वाज अ वेरी रेयर प्रोजेक्ट जिसमें PC1 से नीचे आपने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया. 14 अरब में आपके 1 billion ट्रीज लगे थे. बिल्कुल, तो मतलब हुआ कि 14 रुपये का आपका एक दरख्त विद अ 3 year केयर पीरियड कॉस्ट उसकी शामिल थी. उस वक्त जब हमने कंपेरिजन किया ग्लोबल कॉस्ट के साथ, तो वो कॉस्ट जो थी वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ट्रिलियन ट्री प्रोजेक्ट. उन्होंने जो कॉस्टिंग की थी उन्होंने सारी दुनिया में उन्होंने कहा जी कि हम अगर यहाँ पर उन्होंने पहले जगह आइडेंटिफाई की, फिर उन्होंने कहा जी कि अगर इन जगहों पर दरख्त लगाए जाएँ और ट्रिलियन ट्रीज लगा दी जाएँ तो क्लाइमेट चेंज का मसला हल हो जाता है. वो स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी. उसकी जो कॉस्ट उन्होंने निकाली थी वो उस वक्त निकाली थी 50 रुपये पर ट्री. राइट, वी वर एट 14 रुपीज़. राइट, जब हमने 10 बिलियन ट्री किया तो वी वेंट टू 30 रुपीज़.
बिकॉज इकोलॉजी डिफरेंट थी, केपी की इकोलॉजी बहुत सूटेड थी दरख्तों के लिए, वो हमारी सबसे बेहतरीन अभी भी वैसे 40% जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहाँ पे है। जब हम पंजाब में आए तो वो यू नो इट बिकेम स्लाइटली मोर कॉस्टली बिकॉज पानी देना पड़ता है, यहाँ पे प्लेन्स हैं, एरिड एरिया है, बलोचिस्तान में इससे भी ज़्यादा है। इसी तरह सिंध के अंदर मैंग्रोव्स तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कॉस्ट ऊपर चली जाती है। सो द एवरेज कॉस्ट वेंट अप बट इट वॉज स्टिल लोअर देन द 50 रुपीज़ कॉस्ट। उस वक्त डॉलर था तकरीबन 100 रुपये का, तो यू नो 50 सेंट्स बनती है वो कॉस्ट, और हमारी थी 14 सेंट्स पे। अभी G20 की जब इंडिया पे मीटिंग हुई है तो उन्होंने एक अगेन बिलियन ट्री प्रोजेक्ट अनाउंस किया है G20 में इंडिया के अंदर, उसकी कॉस्ट है $1 per tree। अच्छा, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वी वर एट यू नो 10 टाइम्स लेस कॉस्ट देन दैट। सो इसलिए ये दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया इस एफर्ट को, और अब पैसा अपना था हमारा और पाकिस्तान एक नेचर लीडर बना। अब इसका या हमारे पास वो उस वक्त एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बन चुका था कि पाकिस्तान की एक एक यू नो देर वेरी फ्यू थिंग्स अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे पाकिस्तान को एक्नॉलेज इन अ पॉजिटिव वे किया जाता है, और इमरान खान की इस गवर्नमेंट में ये नेचर लीडरशिप पाकिस्तान की इस्टेब्लिश हो चुकी थी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप था कि अब ये टाइम था कि हम पाकिस्तान नेचर फाइनेंसिंग और क्लाइमेट फाइनेंसिंग अट्रैक्ट करें, नॉट एज अ विक्टिम, कि वो विक्टिम कार्ड खेलना कि जी हम मर गए, हमारा सैलाब आ गया, वो इट डजंट वर्क बिकॉज एवरीबॉडी इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट एज एन एक्सपर्ट एसेंशियली एज बट बिकॉज ऑफ अ बीइंग अ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड टू क्लाइमेट चेंज, कि आप कहेंगे जी हमने सॉल्यूशन दिया है और अब हमें इसके इसमें हमें पार्टनरशिप चाहिए और उसकी फाइनेंसिंग चाहिए। तो उसमें ऑलरेडी हमारी हमारे हमारे पास यू नो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन सच अ थिंग, उसमें वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी एक ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो चुकी थी विच वॉज कॉल्ड नेचर बेस्ड लैंडिंग प्रोसेस। वो $1 अरब हमें देने को तैयार थे वर्ल्ड बैंक एट दैट टाइम, और उसके KPIs जो होते हैं कि इंडिकेटर्स कौन से होंगे, उन्होंने कहा जी हम आपको $1 अरब देंगे लेकिन आपने इस चीज़ के अंदर इसको इन्वेस्ट करना है जो कि क्लाइमेट चेंज से आपको भी बचाएगा और दुनिया को भी बचाएगा। इसी तरह हमने ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए फॉर द भाषा डैम $500 मिलियन के, 6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था, यानी कि हर बॉन्ड के लिए 6 और बंदे थे जो खरीदना चाहते थे उसको। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान ने अपने आप को एक क्रेडिबल नेचर लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश किया था। इसी तरह हमने ब्लू बॉन्ड की फ्लोटेशन करनी थी और वो उसके लिए हमने एक वर्ल्ड बैंक से एक्सरसाइज की थी कि जो हमारा समुंदर है और मैंग्रोव्स हैं ये कार्बन को अब्जॉर्ब करते हैं, तो इनका इनको भी हमें कैपिटलाइज करना है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म था। अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट PTI की गई तो ये चीज़ डिरेल हो गई, और जो आने वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने ये समझा कि जी ये बिलियन ट्री जो है ये तो इमरान खान का प्रोजेक्ट है या मलिक अमीन का प्रोजेक्ट है, इसको PTI का प्रोजेक्ट है, इसको हमने ख़त्म इस नाम को ख़त्म करना है। वो नाम एक ब्रांड था पाकिस्तान का, बिलियन ट्री वॉज पाकिस्तान्स ब्रांड और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा था। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको यू नो सॉफ्ट अब ख़त्म तो नहीं किया प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी भी वो उसमें पैसे लगा रहे हैं, उसको एक और नाम दे दिया, दुनिया भूल गई उसको और पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि पाकिस्तान वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। जो हम वर्ल्ड बैंक से बातें कर रहे थे वो पिछले साल पेरिस के अंदर एक क्लाइमेट फाइनेंस की मीटिंग हुई और उसके अंदर उन्होंने वही चीज़ें बात डिसाइड की जो कि पाकिस्तान पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे करना चाहता था। मसलन जो पाकिस्तान इस वक्त डेट क्राइसिस में फंसा हुआ है, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने एग्री किया कि जी हम एक डेट पॉज बटन लगाएंगे, लेकिन वो डेट पॉज बटन उन ममालिक को दिया जाएगा जो नेचर लीडरशिप शो कर सकते हैं। सो दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वाज डूइंग इन 2021 विद द वर्ल्ड बैंक, और वी वुड हैव बीन द फर्स्ट पायलट एक्सरसाइज। इसी तरह IMF ने एक उनके स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं जो लो कॉस्ट मनी होती है, उन्होंने कहा जी कि वो हर मुल्क को देते हैं जो कि उनको देता है, जो उनको उनमें डोनेशन करता है, जो मतलब अमेरिका के पास भी हैं, चाइना के पास भी हैं, और वो यूज़ नहीं कर सकते उसको बिकॉज उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती। तो उन्होंने कहा जी उनके जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है वो हम उन ममालिक को देंगे जो क्लाइमेट चेंज और नेचर के अंदर पैसा लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में था, अनफॉर्चुनेटली वो पोजीशन हमने सॉफ्टन अप करके डिरेल कर दी। उसको हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है क्योंकि वो कहानी लोगों के दिमाग में अभी भी है दुनिया में कि पाकिस्तान ने ये लीडरशिप हासिल की थी। दूसरी बात आपने की जो हमारा दूसरा इनिशिएटिव था वो लिविंग इंडस के ऊपर था, दैट उसके बारे में ज़्यादा बात मैं आपको डिटेल में बता सकें वो था क्या। वो ये था कि यू नो दिस हैपेंड इन द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ आवर गवर्नमेंट। आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस और जो UN के हेड हैं पाकिस्तान में, ही वॉक्ड इनटू माय ऑफिस और ही वाज अ वेरी वो थिंकिंग पर्सन। तो उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात की, उन्होंने कहा कि यार ये आपका जो एरिया है पाकिस्तान, इस पर जो पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है इसकी एक ही वजह है और वो है रिवर इंडस। इंडस के पानी की वजह से आप 50,000
साल से यहाँ पर बसते हैं इस एरिया में जिसको पाकिस्तान कहते हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि अब देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि अगले 50 साल आप इस एरिया में रह सकेंगे कि नहीं. और वजह यह है कि हमने इस इंडस को, जो कि हमारी लाइफलाइन है, इसको हमने इस दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड रिवर बना दिया है और इसकी इकोलॉजी को हमने चेंज कर दिया है और इसकी इकोलॉजी इज़ अंडर थ्रेट. तो वो यू नो दैट गॉट मी थिंकिंग कि यार ये तो बिल्कुल इन्होंने सही बात की है. और अगर पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज से सर्वाइव करना है और ये मौसमियाती तब्दीलियों से, तो हमारी जो ये इकोलॉजी है इंडस की, हैज़ टू बी अ लिविंग इकोलॉजी, इट कैन नॉट बी अ डाइंग इकोलॉजी. तो दैट्स व्हाट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट. उसका हमने इनिशिएटिव किया, उसका पॉलिटिकल ओनरशिप ली, प्राइम मिनिस्टर और चारों चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर एंडोर्स किया, उसको कंसल्टेंट्स हायर किए और एक रिपोर्ट हमने कहा कि जी हमें आप रिपोर्ट ऐसी ना रिपोर्ट बना के देंगे वो आप लेकर आए और हम अनाउंस करके फिर उसको शेल्फ पे रख दें. इट शुड बी एन एक्शनेबल रिपोर्ट. उसमें आप 25 एरियाज आइडेंटिफाई करें, हमें बताएं कि शॉर्ट टर्म क्या है, मीडियम टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है और हम क्या डिलीवर कर सकते हैं और क्या उसकी कॉस्ट होगी. तो वो उन्होंने फिर बीच में वो गवर्नमेंट चली गई, बट दैट रिपोर्ट डिड कम आउट एंड टुडे आई थिंक इट इज़ पाकिस्तान की, अगर आप अडेप्टेशन या क्लाइमेट के साथ कोप करने के लिए आप फ्रेमवर्क को देखें तो इससे बेहतर फ्रेमवर्क नहीं है जिसको तमाम दुनिया ने सराहा. बल्कि जब हमारा फ्लड आया 2022 में, तो उन्होंने, आई वॉज इन द UN एट दैट टाइम, मैं वहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी बाकी फ्लड के तो पैसों का हमें पता नहीं, जो आए उन्होंने प्रॉमिस किया कुछ भी नहीं आया. लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप इस चीज़ को फोकस कर दें, उन्होंने मुझे उसको स्पेसिफिकली कहा, उन्होंने कहा कि आपको चाहिए कि इसको उस लार्जर फ्लड रिलीफ पैकेज से बाहर निकाल लें. क्योंकि अगर आप इसको उसमें रखेंगे तो ये फिर उसी चक्रों में फंसा रहेगा और ये भी फंस जाएगा. मैंने आके वापस यहाँ पे जो मिनिस्टर थे उनको ये पैगाम पहुँचाया, मैंने कहा जी वहाँ पे मैं ये फीडबैक है, आप इसको अलहदा कर लें उससे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया, ये भी उसी चीज़ में फंसा हुआ. लेकिन वो दे वर विलिंग टू फंड दिस बिकॉज ये बड़ा क्लियर कट था कि हमने कहाँ पैसा लगाना है, इसका कितना फायदा होगा, आवाम को कितना फायदा होगा. उसपे हो क्या रहा है? What is the living industry? Living industry, as I said, is a framework जिसके अंदर अब 25 कैटेगरीज हैं और उसके अंदर ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं कि जी पाकिस्तान का जो पानी आता है, मसलन उनमें से एक हमने एक रिचार्ज पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसको फिर हमने GCF में भेजा, वो लकली अप्रूव हो गया है तकरीबन 2 महीने पहले. वो प्रोजेक्ट ये है कि पाकिस्तान में पानी आता है हर साल और पानी आता है पाकिस्तान का तकरीबन 100 दिन के पीरियड में. नॉर्थ से हमारे उस वक्त ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे होते हैं गर्मियों में और साउथ से हमारी मानसून आ रही होती हैं और ये दोनों मिल के पाकिस्तान के ऊपर पानी फेंकती हैं. और जब पानी आता है तो वो इस 100 दिन के पीरियड में एक्सेस वाटर आता है या फ्लड्स आ जाते हैं और हम तकरीबन ऑन एन एवरेज 100 मिलियन एकड़ फीट हर साल अरेबियन सी में फ्लश कर देते हैं. तो हमें चाहिए कि हम इस 100, और फिर उसके बाद हम कहते हैं जी पानी ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाटर स्केयर्स कंट्री है. पाकिस्तान इज़ नॉट अ वाटर स्केयर्स कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ वाटर मिसमैनेज कंट्री. डू यू हैव अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ के हाउ मच दैट 100 मिलियन एकर फीट इज़ लाइक वो पाकिस्तान में अगर वो कहलाते हैं ना कि हाँ, मतलब अगर आप त्रिबेला डैम को देखें तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये तकरीबन 25 से 30 मिलियन एकड़ फीट वहाँ पे सेव होता है. तो समझ लें आप 3-4 डैम्स के बराबर पानी आपके पास वो है जो कि आप ज़ाया कर देते हैं. तो इसको आपको सेव करने की ज़रूरत है. तो हमने उस पर और उसकी रिपोर्ट भी हमें एक रामसर कन्वेंशन उन्होंने बना के दी थी. उन्होंने कहा कि जी आप त्रिबेला से जब पानी आपका निकलता है तो अरेबियन सी तक फिर वो पानी जो है वो नथिंग टू स्टॉप इट, वो अगर वहाँ से ज़्यादा पानी आ जाए तो आपको निकालना पड़ता है अरेबियन सी के लिए. तो आपको उसको कैप्चर करने की ज़रूरत है. और लकीली पाकिस्तान में ऐसे वेटलैंड्स हैं ऑन द लेफ्ट एंड राइट बैंक ऑफ इंडस जहाँ पर आप इस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं. वो वेटलैंड्स भी आपके यू नो जो डिग्रेड हो रहे हैं वो बेहतर हो जाएंगे और आपका जो ग्राउंड वाटर एक्वीफर है उसको भी ये रिचार्ज करने का एक ज़रिया बनेगा. हम क्योंकि बहुत सारे ट्यूबवेल्स हैं ग्राउंड वाटर को भी हम खींच रहे हैं ऊपर, तो ये इसके ज़रिए आप इसको रिचार्ज कर सकेंगे नेचुरली. तो इट्स अ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन. तो वो हमने फिर इसका प्रोजेक्ट बनाया उस वक्त, फिर ये GCF में दिया और वो लकीली अप्रूव हो गया प्रोजेक्ट. 67 मिलियन डॉलर्स का है. GCF क्या है? ग्रीन कार्बन फंड. इट्स अ ग्रांट फंड, वो दुनिया में ग्रांट फंड देते हैं. तो वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान. और वो इस लिविंग इंडस का भी कंपोनेंट उसको बनाया गया था. तो ये बेसिकली एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है कि हमारा एक नेचर बेस्ड प्रॉब्लम है विच इज़ क्लाइमेट चेंज, तो उसको हमने हल करने के लिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन. बिफोर वी गो टू द कार्स, आई वांट टू अंडरस्टैंड
पाकिस्तान में आपने पानी की बात की, पाकिस्तान में ना वो एक अलग मिनिस्ट्री है, वाटर मिनिस्ट्री है जिसका इट्स नॉट एक्साइटिंग, इट्स फेयरली वो भी रेलेवेंट साइड पे पड़ी रहती है। रिचार्ज पाकिस्तान वैसे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने बनाया, अप्रूव कराया, लेकिन अब उन्होंने पकड़ लिया कि हम इंप्लीमेंट करेंगे। सो मेरा पहला सा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में ना हम बहुत गैस की बात करना शुरू एटलीस्ट अब हो गए हैं कि गैस खत्म हो रही है, $2 की गैस है, $12 की गैस बाहर से आती है वगैरह वगैरह। फिर हम बात करते हैं कि यार हमारे पास जो है वो बिजली का मसला, एनर्जी का मसला है, यू नो दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। ये जो आपने बात अभी की है ना कि पाकिस्तान में वाटर हमें लगता है कि वो तो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है, वो आता रहेगा, एक अनलिमिटेड रिचार्जेबल इन्फिनिट रिसोर्स है। हालांकि लाइफ इज बिकॉज ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कम्स मच लेटर, एनर्जी कम्स मच लेटर, वाटर इज लाइफ एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट टेक दैट सीरियसली। मोर इम्पॉर्टेंटली जहाँ तक सीरियसली तो नहीं लेते, उसकी इकोनॉमिक्स भी नहीं है। किसी भी डेवलप्ड सिस्टम में हमेशा इकोनॉमिक्स होगी किसी चीज़ की, कि अगर मेरे घर में पानी आता है, मैं दुबई जब मूव हुआ ना तो मेरा छोटा सा अपार्टमेंट है वहाँ पे, महंगा होता है उसका, मुझे महीने का जो पानी का बिल आता है वो रफली कोई 150 दिरहम आता है, विच इज़ अराउंड अबाउट 12-15,000 रुपीज़। पाकिस्तान में मैं अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े घर में रहता हूँ और मुझे एक अनलिमिटेड पीछे बल्दिया से पानी आता रहता है, और साल का क्वार्टर का मेरा ख्याल है उसमें का बिल आता है कुछ 3,000 रुपये, राइट? इट्स नॉट प्राइस्ड प्रॉपरली, और कोई मीटर नहीं लगा हुआ कि मेरी यूजेज के ऊपर वो इस्तेमाल हो, मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि मैं पानी को ऑप्टिमाइज़ करूँ। अच्छा, इवन मोर देन दैट, जब हम बात करते हैं पानी की, तो हमने पानी को प्रॉपरली स्टडी भी नहीं किया। तो मैक्सिमम पानी की बात ये होती है कि यार गाड़ियाँ धोना बंद कर दें, टैप बंद कर दें, विच इंटरेस्टिंगली जब आप डेटा देखते हैं तो आपको पता लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन 8-10% है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, वो नेस्ले हमारा सारा पानी उठा के ले गया, वो फैक्ट्रियाँ सारा पानी उठा के ले गई, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन 10% है, 80% जा रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर में जा रहा है तो चलो उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं। पता ये लगता है कि जी पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट वाटर कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ एफिशेंसी इन एग्रीकल्चर। पता ये लगता है कि हमने शुगर को इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दी हुई थी, जिसकी वजह से शुगर बीइंग ए वेरी वेरी हाई एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन क्रॉप, वो जो है जी पानी बहुत ज़्यादा फालतू का इस्तेमाल कर रही है, और चूंकि पानी वर्चुअली फ्री है तो द इकोनॉमिक्स ऑफ शुगर इज़ मच बेटर। हालांकि पानी अगर तरीके से प्राइस होगा तो देन मे बी पीपल विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग शुगर एंड दे माइट जस्ट स्टार्ट इम्पोर्टिंग शुगर एंड माइट क्रिएट अदर क्रॉप्स दैट आर मोर वैल्यूएबल। उसी के साथ हमने राइस के साथ भी यही किया कि जी उसको एक्सपोर्ट के ऑप्शंस दे देकर हम लिटरली फ्लड करते हैं अपने फील्ड्स को राइस की खातिर। हालांकि वी शुडंट बी अ कंट्री वेयर राइस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड लाइक इन दैट नंबर। ये तो ज़्यादा ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का है जहाँ पे सुबह शाम वैसी बारिश हो रही होती है, फ्लडेड होता है, राइस निकलता है बेहतरीन, यू नो। वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज की जब भी बात हुई है पानी में डैम बनाने की बात हो जाती है, आगे चीज़ें हो जाती हैं, बट ये जो एम्बिट्स है ना, जो कि लेट्स से शायद मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के साथ हों या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के साथ हों, मुझे लगता है कि दिस शुड बी स्पीयर हेडेड बाय द क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री विद एन इंटरसेक्शनल सॉर्ट ऑफ इनपुट फ्रॉम दीज एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट, बट वो चीज़ होती नहीं है। हैव यू बीन एबल टू सी द वाटर सिचुएशन इन पाकिस्तान? अर्ली ऑन भी हम बात कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं है, पानी चोरी होता है आपका, बाय एंड लार्ज पानी आपका चोरी हो रहा है, या चोरी हो रहा है या फ्री में जा रहा है, राइट? और उसका नुकसान ये होगा कि एक टाइम आएगा जब पानी आपकी किल्लत पड़ेगी, पानी किल्लत पड़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई आउट होगी, तो पानी के पीछे लड़ाइयाँ होंगी, और उस टाइम से बेहतर है कि आप पहले इसको मैनेज कर लें। तो कल को जो 500 रुपये का लीटर पानी होगा, उससे बेहतर है कि हम अपने आप को उस टाइम पे ले आएँ जहाँ पे आज शायद 5 रुपये का, तो उस टाइम पे 50 रुपये में हमें मैक्सिमम मिल जाए। कोई आपने इसके ऊपर बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, पानी इस वक्त पाकिस्तान में यू नो अंडर प्राइस्ड है, ओवर यूटिलाइज्ड है, वाटर कंजर्वेशन की हम लोग बात नहीं करते सही तरीके से, हालांकि इन सारे स्टेप्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान पर कैपिटा बेसिस पे वाटर स्केस कंट्री बन रहा है बिकॉज ऑफ वाटर मिसमैनेजमेंट। हम पानी आता है उसको स्टोर नहीं करते, सेव नहीं करते और ज़ाया कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम पानी के लिए तरस रहे होते हैं। इसलिए आई थिंक पानी इज़ अ बिग इशू, देयर इज़ अ वाटर पॉलिसी, देयर इज़ अ वाटर मिनिस्ट्री ऑल्सो, बट इट नीड्स टू बी अ कोलैबोरेटिव कोहेसिव एक्सरसाइज, और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आगे के लिए। वरना इसका हाल वही होगा जो हमने सुई गैस का किया है कि जब आई तो हमने वो चूल्हों में जला के और गाड़ियों में जला के
और अब ख़त्म कर दिया है और वो ख़त्म किया है तो अब हम 50 गुना ज़्यादा महंगी गैस बाहर से मंगाते हैं बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज़ टू है उस गैस से, अब उसको वो फीड करने के लिए हमें 50 गुना ज़्यादा और हर दूसरे दिन डबल हो रही होती है प्राइस गैस की। सो वाटर कैन गो इनटू द सेम रूट अगर थोड़ी सी प्लानिंग इसके ऊपर ज़्यादा ना हुई। इसलिए मैंने बात की कि ये यू नो ये किसका काम है, ये काम है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि वो इन चीज़ों पर सोचें और इनके सोल्यूशन निकाल के और आवाम के सामने रखें बजाय इसके कि एक दूसरे को सिर्फ ये गालम गलोच और ये जो स्लोगनेरिंग की पॉलिटिक्स है इससे बाहर आने के लिए ये चीज़ें जिनके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस की भी ज़रूरत है, जिनके ऊपर पॉलिटिकल डायलॉग की भी ज़रूरत है, जिनके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट की भी ज़रूरत है। डू यू थिंक जिस तरह का हमारा कोविड का बना था और फिर उसके बाद वो क्या आए थे क्या कहलाते हैं यार वो जो एनसीओसी जो एक था ना, फिर एक दूसरा बना था फॉर दोज वो जो कीड़े आते हैं क्रॉप्स खा के ले जाते हैं सोल्यूशन कि वो जिस तरह की वो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसमें मल्टी पार्टी भी था मल्टी स्टेक होल्डर भी था सारे चीफ मिनिस्टर भी आते थे वो एक्चुअली पॉलिसी के अंदर तो ये चीजें हैं ये फोरम्स हैं ये बने हुए हैं स्पेयर हेड प्राइम मिनिस्टर करता है इनको लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होती। हमने एक्चुअली क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बनाया था बहुत ज़बरदस्त फोरम विच वॉज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर्स कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट जो थी प्लानिंग की जो थी वो मिनिस्टर्स थे और चारों चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर हेड करता था एंड यू नो द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज वॉज द फोकल पर्सन। उस फोरम के ऊपर बहुत सारे डिसीजन हुए थे हमारी ये तमाम पॉलिसीज लिविंग इंडस यू नो ये सब कुछ वहाँ से निकला था बिकॉज इट वॉज अ स्मॉल फोरम इट वॉज अ फोरम ऑफ इफेक्टिव मिनिस्टर्स इट वॉज एंड इट वॉज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ और उसकी वजह से डिसीजन हो जाते थे और फिर वो आगे इम्प्लीमेंट भी होते थे। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें करने की जरूरत है और ये दिस इज यू नो एन एरिया जहाँ पे ये डेफिनेटली रिक्वायर्ड जो ये SIFC एंड एपेक्स कमेटी एंड ये सारी ये भी बिल्कुल इसको यूज़ हो सकती है बिकॉज उसमें आप SIFC में फिर आप बाकी स्टेक होल्डर्स को भी बीच में डाल देते हैं जो ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए बिकॉज उनके बगैर आप सिस्टम चला नहीं सकते। What do you think about corporate farming? जो ये यू नो इट डिपेंड्स कि कॉर्पोरेट फार्मिंग आप किस तरह कर रहे हैं। यू नो देर इज़ एक कोलेबरेटिव फार्मिंग होती है कि आप छोटे फार्मर्स को जोड़ के एक बड़ा फार्म बना दें। एक यह है कि छोटे फार्मरों को ख़त्म करके आप बड़े फार्मर्स को ले आएँ, उसके नेगेटिव कॉनोटेशंस भी हैं। फिर एक कॉर्पोरेट फार्मिंग है उन एरियाज़ में जहाँ पे जो कि ऑलरेडी कल्टिवेटेड है, एक है जहाँ पे कल्टिवेशन अभी नहीं है लेकिन आप उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वाटर राइट्स के इशू आ जाते हैं कि आप किसी को और के वाटर राइट्स, क्योंकि वाटर राइट्स तो पाकिस्तान में फ्रोजन है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कनाल वाटर राइट्स हैं स्पेशली वो आप यू कैन नॉट गेट न्यू कनाल वाटर इन पाकिस्तान एनी मोर। वाई? बिकॉज ये 1960s में इस पर लॉ बना था कि जो जिन एरियाज़ को कल्टीवेट कर दिया गया कनाल के थ्रू अनलेस और पानी आए या और कनाल्स बने आप मजीद इसको नहीं एक्सपेंड कर सकते। राइट तो अगर तो आप किसी और के राइट को मार के अपने राइट पैदा कर रहे हैं कहीं पे तो फिर तो ये गलत है। सो यू नो कनाल नेटवर्क एक्सपेंड हो सकता है बलोचिस्तान इज़ एन एरिया जहाँ पे आई थिंक बहुत इसका पोटेंशियल है वहाँ पे पानी की उनकी एंड वन ऑफ द थिंग्स जो कि इसी फोरम के ऊपर प्रेजेंटेशन जब होती थी दे वर टू वेरी स्ट्राइकिंग इश्यूज। मुझे एक वो ये था कि जब वो देखते थे कि हम किस प्रोविंस को कितना पानी जाता है CCI के फोरम से जो एलोकेटेड है और वो कैसे यूज़ करता है, तो बलोचिस्तान का जो पानी था वो अंडर यूटिलाइज होता था हमेशा। अच्छा पानी है उनको वो कच्ची कनाल में पहुँचा भी दिया गया है लेकिन आगे से उसकी ऑफटेक नहीं हो रही। अच्छा क्योंकि उनका अपना नेटवर्क टू डिस्ट्रीब्यूटेड वो नहीं है वहाँ पे। राइट तो यू नो आई थिंक ये चीज़ें तो बड़ी क्रिमिनल हैं कि भाई अगर ऐसे प्रोविंस में जहाँ पे पानी की सख्त ज़रूरत है वहाँ पानी पहुँच भी गया है अब आगे से उसको ऑफटेक नहीं कर सक रहे। इसी तरह ये था कि पाकिस्तान एक प्रेजेंटेशन में कि पाकिस्तान इज़ नॉट द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया लेकिन पाकिस्तान सिट्स ऑन द थर्ड लार्जेस्ट स्वीट वाटर एक्वीफर इन द वर्ल्ड। अच्छा दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट जो स्वीट वाटर एक्वीफर है पाकिस्तान के नीचे अंडरग्राउंड है और एंड वी शेयर दिस एक्वीफर विद इंडिया। राइट सो यू नो वो इट्स लाइक दैट कतर गैस फील्ड जो कि दो ममालिक शेयर करते हैं और इंडिया उसको बहुत तेज़ी से ड्रॉ कर रहा है पाकिस्तान उस तेज़ी से ड्रॉ डाउन नहीं कुछ पॉइंट से बहुत कर रहा है कुछ पॉइंट से बिल्कुल नहीं कर रहा। सो यू नो ये सारी चीज़ें हैं जब आप
there is some thought behind things. तब आप जाके इन तक पहुँचते हैं, वरना ये political spectrum पे भी नहीं आती ना सियासतदानों के पास time होता है इन चीजों को सोचने का. और makes sense. Tell me about the electric car policy. I feel like that's something that most people were most excited about because pop culture दुनिया भर ना Teslas of the world and this and that and और उसके ऊपर मैं दो चीज़ें particularly कहूँगा. एक तो tell me about that policy, why that was so important, but एक उसका जो बड़ा क्लियर मुझे नज़र आया नेगेटिव आउट फॉल आउट वो ये था कि सर रिक्शे तो नहीं आए इलेक्ट्रिक, बाइक्स भी अब रिसेंटली आना शुरू हुई हैं, लेकिन ऑडी ई-ट्रॉन तो नहीं कह रहा अमीर आदमी ने मंगवाई और वो पार्टी करता फिर रहा है पूरे मुल्क में. राइट, डॉलर ज़ाया हुआ बिकॉज ऑफ ए पॉलिसी दैट maybe wasn't properly thought out. So tell me about that thought. Dekhiye, wo policy 2019 mein banayi gayi thi. The way it happened was ke Lums University mein ek research unit hai, unhone is pe bada kaam kiya hua tha. So they walked into my office one day and they said ke yaar humne ye kaam kiya hua hai aur ye bada zabardast kaam hai Pakistan ke liye. And I looked through it, the document, it was a very good document. It was a policy document. और उसमें इट वाज अ विन विन फॉर पाकिस्तान. एक आपका ये कि आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो 60% आपकी कम हो जाती है फ़ौरन. दूसरा आपकी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो तकरीबन 70% कम हो जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ. तीसरा ये कि आपके पास जो टाइम ऑफ डे पे एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होती है उस पर अगर आप टैरिफ सही तरीके से सेट करें तो वो जो कैपेसिटी पेमेंट जिन IPPs की आप दे रहे हैं उनकी आप ऑफटेक ले सकते हैं और उसको अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं. वो बहुत सारे इसके फ़ायदे थे. सो इमीडिएटली मैंने इसकी उसके ऊपर उसकी पॉलिसी को हमने ग्रुप बनाया, उसको रिफाइन किया, टुक इट टू कैबिनेट एंड इट गॉट अप्रूव्ड बिकॉज एवरीबडी कुड सी यार इसमें पाकिस्तान का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है. और उसके अंदर हमने वो फेजेस रखे थे कि टू व्हीलर्स मैं सबसे ज़्यादा इसको अग्रेसिवली करेंगे, फिर थ्री व्हीलर्स और फिर उसके बाद ये फोर व्हीलर्स भी जाएगी. लेकिन उसके बाद ये पॉलिसी सैबोटाज हुई. मुझे पहली बार पता लगा कि पाकिस्तान में दो माफियाज का तो मुझे पता था कि एक टिम्बर माफिया है और एक लैंड माफिया है. ये तीसरा एक कार माफिया भी पाकिस्तान में है और जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है. और दे आर दिस टू बिग यू नो कंग्लोमरेट्स, एक होंडा है और एक टोयोटा है और उन्होंने पूरी कार मार्केट को उस वक्त 80% जो है वो कॉर्नर किया हुआ था. जो उनके साथ एग्रीमेंट्स हुई हुई थी उसको भी फॉलो नहीं करते, वो डिलीशन प्रोग्राम और सारा कुछ लोकलाइजेशन किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते बाहर से. दिस वाज द प्रोडक्ट ऑफ दैट ईरा जो हमने डिस्कस किया था शुरू में कि इंपोर्ट बेस्ड कंज्यूमरिज्म, ये उस ईरा के दोनों प्रोडक्ट्स थे कि बाहर से चीज़ें मंगाओ जोड़ो और एक गाड़ी बना दो, कहो कि जी ये पाकिस्तान ने बना ली है. वो उसके अंदर वो महंगी गाड़ी बेच रहे थे, लो वैल्यू एडिशन और लो उसकी क्वालिटी की गाड़ी थी एज कम्पेयर टू अदर इन द वर्ल्ड. बट दैट असाइड दे वर ऑल्सो द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिहाज से. सो दैट माफिया हैड अ लॉट ऑफ पावर. वो एक पॉलिसी जब अप्रूव हो गई और उसकी बहुत ट्रैक्शन थी, बड़ा लोग एक्साइटेड थे. मैं कराची गया, वहाँ पे लोगों ने वो यू नो किट्स बनाना शुरू की हुई थी कि हम कन्वर्ट करेंगे ये वो, यू नो आई कुड सी अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन दैट एंड आई कुड सी कि विद इन सिक्स मंथ्स इट वुड टेक ऑफ लाइक एनीथिंग इन पाकिस्तान. वो बनी हुई पॉलिसी जो कि कैबिनेट ने अप्रूव की हुई है वो उसको उन्होंने फोर्स करके दोबारा ECC में भेज दिया. अब कभी नहीं हुआ कैबिनेट में कि एक हमेशा ECC में चीज़ डिस्कस होती है और उसके बाद कैबिनेट में आती है और फिर कैबिनेट अप्रूव करती है. कैबिनेट इज दी मदर बॉडी. ये कभी नहीं होता कि कैबिनेट में चीज़ अप्रूव हो जाए तो फिर ECC उसको दोबारा खोल दे. बट इस केस में वो दोबारा खुला और उसके बाद उन्होंने उसमें हज़ार किस्म के एक वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर वो EDB है हमें वो उन्होंने ADB है वो ऑटो पॉलिसी बनाते हैं. उन्होंने कहा यार इतने तो इतना बड़ा गेम है ये हमारे हाथ से निकल जाएगी सारी. उन्होंने वो दोबारा उसको खोला, उसको उधेड़ के रख दिया और दैट पॉलिसी वॉज सैबोटाज्ड टू दी एक्सटेंड के मैंने फिर एक प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा जो कि ऑन रिकॉर्ड है. और उस खत में मैंने लिखा कि जी इसके ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे थे, कैबिनेट ने अप्रूव किया था, वी वेंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नेंस बाय यू नो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम ECC टू कैबिनेट इट वेंट फ्रॉम कैबिनेट टू ECC और इट गॉट सैबोटाज्ड और ये क्रिमिनल एक्ट है जो पाकिस्तान के लिए हो रहा है. And you know, like you know, I could only do so much. Why do you think was there was this like because एक auto mafia की तो समझ आ रही है. Auto mafia भी थी उसमें, एक और larger game ये चल रही थी कि पाकिस्तान में Toyota is you know a big player
और वो टोयोटा वाज गोइंग टुवर्ड्स हाइब्रिड कार्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. चाइना वाज अ बिग प्लेयर इन ईवी. अब हमारी जो पॉलिसी थी उस वक्त उसका इतना बेनिफिट हो सकता था पाकिस्तान को, उसकी वजह ये थी कि चाइना के अंदर भी देवर इन्वेस्टर्स इन चाइना, चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी यूएस की एक्सपोर्ट, जो आजकल आप देख रहे हैं वो इशू बना हुआ है, वो गाड़ियाँ नहीं ले रहे वहाँ से. तो चाइनीज कंपनीज कुछ सी दैट कमिंग, उन्होंने कहा जी कि हम अपना पूरा का पूरा यूनिट उठा के एंड वी वॉन्ट टू टेक इट टू सम कंट्री. और जब हमने उनको अपनी पॉलिसी दिखाई, उन्होंने कहा जी तो पूरे रीजन की बेस्ट पॉलिसी है, और वो पूरे के पूरे यूनिट उठा के पाकिस्तान को लाने के लिए तैयार थे. हमें फ़ायदा ये होना था कि वो यहाँ से एक्सपोर्ट होनी थी, और जब एक्सपोर्ट होती तो डॉलर वो यू नो पाकिस्तान में आने थे, क्योंकि वो पाकिस्तान बेस्ड एक्सपोर्ट होनी थी. सो वी मिस्ड आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी अनफॉर्चुनेटली. वो फिर अफ्रीका ले गए, कोई इधर उधर ले गए, एंड आई थिंक दैट समथिंग जो कि आई फील डिसअपॉइंटेड कि यार पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो कि नहीं हुई. हाउ डू यू थिंक दिस, आई मीन यू मेंशन माफिया राइट, लाइक बट पीपल डोंट हैव कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस के अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स जनरली कमिंग फ्रॉम विद इन द सेम गवर्नेंस स्ट्रक्चर. सो वो माफियाज़ जो हैं वो सर्टन मिनिस्ट्रीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं, सर्टन मिनिस्ट्रीज़ के सर्टन मिनिस्टर्स होते हैं, सर्टन मिनिस्टर्स कैबिनेट में बैठते हैं, वो फिर उसको रीराउट कर रहे होते हैं बेसिकली राइट एंड सेंटर. एंड सो इट वॉज वेरी क्लियर दैट दिस वॉज सैबोटेज फ्रॉम विद इन योर पार्टी. डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक यू आर नॉट एबल टू get that support? Like, is it a political capital game at the end of the day? That you have so much that you have strong arm within your... Because when you realize this kind of person, the common public thinks that we have voted a party. Now that party true to the... will follow its manifesto and will not go out. But there your game actually starts. After day in, day out, you have to go again. I spoke to Dr. Sania Nishtar. She told me the same thing. She went to cabinet and it was a nightmare. To get very legitimate, educated policy reforms जो कि मुल्क का भी फ़ायदा था, जो पार्टी का भी फ़ायदा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पुश बैक्स आ रहे होते थे. और बाई एंड लार्ज द रीज़न वाई मेरा एतबार करंट पोलिटिकल सिस्टम से उतर चुका है वो इस वजह से, बिकॉज जो निज़ाम है ना वो ऐसा है कि आखिर में आप जो भी पढ़ लें, आप 4, 5, 6, 8 अच्छे लोगों को जितना भी सेल कर दें, आखिर में वही इलेक्टेबल आते हैं, वही इलेक्टेबल हैव टेकन मनी फ्राम द सेम सेट ऑफ real estate folks and auto policy folks and the sugar folks. Like, मुझे बताए ना कौन सी पीपल्स पार्टी PMLN PTI, हर किसी के पास एक शुगर बैरन है, हर किसी के पास एक रियल इस्टेट बैरन है. या जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, PTI के टाइम पर जो रियल इस्टेट एमनेस्टी जो आई है वो क्रिमिनल. इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी प्राइस का जो हुआ है वो क्रिमिनल है. जिस तरीके से पम्प हुई फ्लैट आउट ज़मीनें, और वो फिर आप फिर बंदा डिसअपॉइंट होकर बैठ जाता है कि यार ये तो फिर इसका मतलब कोई सलूशन ही नहीं, बिकॉज इट्स द सेम सेट ऑफ पॉलिसीज विद न्यू फेसेस, राइट? तो एवरीबडी हैज़ हैच देयर बैट्स. अमेरिका में एक पैक होता है तो उसको आपको निकालना होता है कि यार हम अगर एज अ ऑटो मैन्युफैक्चरर या टेस्ला किसी को पैसे दे रहा है तो वो लेजिटिमेटली पता लगा हुआ है कि यार उसका पैसा है तो वो पॉलिसी रिफ्लेक्ट होगी. पाकिस्तान में एवरी प्लेयर इज़ फंडिंग ऑल थ्री साइड्स, एंड आखिर में पॉलिसी वही है. हम तो विच द सर्कस देन इन दैट केस कि हम बस अपने हिसाब से अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आउटकम सेम ही होना है. ये बात ठीक है आपकी कुछ हद तक कि यू नो पाकिस्तान में लाइक एनी अदर कंट्री माफियाज़ हैं, ये ऑपरेट करती हैं, दे थिंक देर अबव द लॉ, और ये सारी पार्टीज़ में इक्वली इनकी इंग्रेस भी होती है. और जब आप इनके साथ इनको टेक ऑन करते हैं तो इट्स अ लॉपसाइडेड फाइट, बिकॉज उनके बिलियंस के इंटरेस्ट एट स्टेक होते हैं और आपके लिए एक प्रिंसिपल एट स्टेक होता है. उधर वो लड़ रहे होते हैं माली फ़ायदे के लिए और उसका उनको इमीडिएट माली फ़ायदा होता है, और इधर आप सुक्के पे लड़ रहे होते हैं बगैर किसी इंटरेस्ट के. बट आई थिंक द फाइट सेल हैज़ टू बी मेड, यू नो द फाइट सेल हैज़ टू बी डन. और वो कई बार फ़ायदा भी होता है उसका, कई बार जिस तरह ये ईवी में अब डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट लैंड माफिया के साथ कई जगह पे हमें ये बिलियनरी प्रोजेक्ट में हम वी टुक देम ऑन एंड वी मैनेज टू यू नो गेट थ्रू. इसी तरह टिम्बर माफिया KP में बहुत बड़ा एक फैक्टर था और उसको भी टेक ऑन करना पड़ा एंड अगेन उसका फ़ायदा हुआ. लेकिन उस सारे में इट ओनली हैपन बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल ओनरशिप जो कि मौजूद थी वहाँ पे खान साहब की शक्ल में एट द बैक. इस केस के अंदर, ईवी वाले केस के अंदर, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, बिकॉज
That's a no-brainer. It was a no-brainer. Yeah, it was a local, no-brainer. Local manufacturing ho rahi hoti hai na, aur aap keh rahe hote ki yaar main abhi import karunga. Bhai, aapki to regular jo gaadi hai, wo bhi saari ki saari bahar se aa rahi hai. Right? So you can leapfrog 10 years into the future by having a. But aaj dekhe na hua kya ki jin do conglomerates ko jo were the biggest employers ko bachane ke liye humne ye kiya aur jinhone hame threaten kiya ki ji hamari factories band hongi to ye itne log factories aaj hi band hongi. और आज हमारा ईवी में भी वी आर नोवेयर टू बी सीन. वी कुड हैव बिकम द प्लेयर इन ईवी इन द रीजन अगर ये पॉलिसी उस वक्त इम्प्लीमेंट हो जाती. डू यू थिंक अभी भी हो सकती है? इज देयर अ चांस? अभी भी हो सकती है, बट यू नो एक विंडो होती है. वो विंडो जो थी, जिसने मैंने आपको बताया कि चाइना वॉज एग्रेसिवली लुकिंग फॉर प्लेसेस टू पार्क देयर प्रोजेक्ट्स, और वो विंडो अब निकल गई है. अगर सेपरेटली हम चाइना वाली विंडो को साइड पे भी रखें, सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट को देखें, तो वो इतनी बड़ी मार्केट है नहीं कि वहाँ पे यू नो ईवी मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी स्केल पे हो सके. इट हैज़ टू बी एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री. राइट. उसमें पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ इस वक्त बहुत लो है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट. Right. तो वो फायदा तो है हमें. हाँ. अगर उसका हम फायदा उठाना चाहें तो. लेकिन वो मार्जिनली बड़ी थोड़ी है ना, हार्ड इंडस्ट्री है, मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है, आपको बाहर से चीजें मंगानी पड़ती हैं. हाँ. उनको फिर तो री एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ह्यूमन कॉस्ट तो वही है. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस एंड देन वी गोना रैप दिस अप. मुझे ये बताइएगा कि यू हैव सीन वाटर, यू हैव सीन क्लाइमेट चेंज, एंड यू हैव सीन द प्रोजेक्शंस फॉर वाटर एज वेल इन द फ्यूचर. डू यू थिंक देयर कुड बी अ पोटेंशियल, लाइक, क्योंकि मुझे जो नजर आ रहा है वही नजर आ रहा है कि क्लाइमेट के जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो बढ़ेंगे. वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट स्टोरेज अपॉर्चुनिटीज और मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज फास्ट इनफ. सो पर्सनली आई थिंक फ्लैश फ्लडिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल इंक्रीज. एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आएगा, एकदम से वो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होगा नीचे, और दरमियान में हमारे पास जो पर्टिकुलरली विंटर में मोमेंट्स आएंगे जिसमें पानी बिल्कुल कम हो जाएगा और नहीं होगा. एंड जैसे जैसे ज़ाहिर पॉपुलेशन राइज हो रही है, तो नॉर्थ में वो जो आपका पानी है वो यूज होते जा रहे, तो ड्राई सीजन में वो नीचे जितना आप साउथ जाते हैं, साउथ पंजाब, सिंध, एंड देन वो बिल्कुल डिप्लीटेड होता है. डू यू थिंक डीसैलिनेशन कुड पोटेंशियली बी ए सोल्यूशन जिसमें कल को वाटर स्कार्सिटी में इवेंचुअली, देखिए इस वक्त जो आपको फियर मंगर्स है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो अनइनहैबिटेबल हो जाएगा ये लैंड वंस द वाटर इज गॉन. राइट. That just obviously, I mean, हमारा तो लैंड यही है, राइट. पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तो आप मूव नहीं कर सकते जितने भी लोग इमिग्रेट कर जाएं. तो इन इट्स इवेंचुअलिटी द सोल्यूशन डू यू थिंक विल बी के हम फिर विल स्टार्ट पुलिंग वाटर आउट फ्रॉम साउथ रदर देन होपिंग फॉर द वाटर टू कम इन फ्रॉम द नॉर्थ यूजिंग. एंड अगेन इसमें ऑब्वियसली एक मेजर कैवियट ये है कि विल द कॉस्ट ऑफ डीसैलिनेशन रिड्यूस एज मोर एंड मोर रिसर्च इज डन ऑन दैट. एंड अभी मैं सऊदी अरब में देख रहा था, अभी उन्होंने नया एक बहुत मैसिव प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें वो सोलर को इस्तेमाल कर रहे हैं टू बी एबल टू डीसैलिनेट वाटर, विच इज़ गोइंग टू अपेरेंटली इसकी इन्वायरमेंटली भी वो बड़ा अच्छा है कि वो ब्राइन नहीं फेंकता और दूसरा कॉस्ट भी रिड्यूस करता है. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखें, इसमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बेस है पाकिस्तान में और इसने जिंदा तो रहना है, जिंदा हमने नहीं रखना, अल्लाह ताला ने रखना है. सो आई थिंक बट उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपकी जहाँ पे क्राइसिस आती है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं. एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि हमारी मानसूनल शिफ्ट हो रही है. right. मानसून बढ़ रही है हमारी, ज़्यादा अग्रेसिव हो रही हैं, ज़्यादा पानी आ रहा है, लेकिन हमारे पास हमने स्टोरेज तो हमने करनी है ना उसकी. अब जिस तरह पिछले साल जो फ्लड आया है वो ग्लेशियर मेल्ट की वजह से नहीं था, वो मानसून रेन के डिल्यूज की वजह से था. right. इस साल फिर हुआ है. दैट मींस कि देयर इज अ ट्रेंड कमिंग. एंड इज दिस बिकॉज़ ऑफ के हीटिंग ज्यादा हो रही है? हीटिंग ज्यादा हो रही है, मतलब सी लेवल जो है, सी जो है वो ज्यादा हीट अप कर रहा है, ज़्यादा एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स अच्छा जा रहे हैं, उसकी वजह से ज़्यादा मानसून की रेन हो रही हैं. राइट. इसको हमें कैप्चर करने की ज़रूरत है. और इसलिए जो रिचार्ज पाकिस्तान है, लिविंग इंडस है, दे आर बोथ प्रोजेक्ट्स जो कि इस लाइन पे पाकिस्तान को लेकर जाते हैं. डीसैलिनाइजेशन मेरे ख्याल में एक बहुत हाई कॉस्ट वेंचर. मुझे याद है जब हमने 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट किया पाकिस्तान में, और फिर सऊदी अरेबिया ने भी अपना लॉन्च किया, तो उस वक्त वन मोर थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज के पाकिस्तान के जब वो नेचर एक लीडरशिप बनी तो हमें एक क्लाइमेट डिप्लोमेसी के डोर्स भी खुले हमारे लिए. राइट. एंड यू नो बिकॉज ऑफ दैट लीडरशिप पोजीशन इन द वर्ल्ड, हमने बहुत सारे उन ममालिक के साथ जहाँ पे हमारे फ्रिक्शंस या टेंशंस थी, हमने थ्रू क्लाइमेट चेंज दरवाज़ा खोला. सऊदी अरेबिया इज अ गुड एग्जांपल कि वहाँ पे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस एक साल एक डिप्लोमेटिक इम्पास आया हुआ था पाकिस्तान में. और वो एक सर्द मैरी थी, टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ब्रदरली कंट्रीज, लेकिन एक सर्द मैरी आई हुई थी.
तो वो दरवाज़ा ऐसे खुला कि वो 10 बिलियन ट्री का उन्होंने एक अनाउंस कर दिया MBS ने प्रोजेक्ट. एंड आई रिमेंबर आई वॉज गोइंग फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद. तो मुझे वो मैंने पढ़ा तो मैंने वो प्राइम मिनिस्टर को मैसेज किया उसी वक्त फ़ौरन के जी हमें इसको इनको लेटर लिखना चाहिए. तो उन्होंने कहा लिखो लेटर. सो आई ड्राफ्टेड दैट लेटर ही एंड गिव सेंड इट टू हिम. ही सेंड इट इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स. और फिर वो एक साल बाद यू नो दैट हाई लेवल कॉन्टैक्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट. और उसके बाद फिर हम उनके साथ MOU साइन करने गए. इसी तरह US के साथ उस वक्त एक डिप्लोमेटिक स्लम आया हुआ था. लेकिन उस स्लम में भी द ओनली थिंग दैट वर्कड वॉज US पाकिस्तान ग्रीन क्लाइमेट अलायंस. वो हमने साइन की उनके साथ और फिर उसके ऊपर काम शुरू हुआ. फिर होता जाता है कि जब लीडरशिप उस चीज़ पर मिलती थी तो फिर वो और बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं. तो ये भी पाकिस्तान की एक नीच थी. तो वो मैं आपको बता रहा था कि सऊदी अरेबिया जब मैं गया तो हमने जब उनके मिनिस्टर से मैं मिला, वाटर के मिनिस्टर थे, तो ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि पाकिस्तान में कैसे आपने 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट किया. तो द डीसेलराइजेशन थिंग केम अप एंड ही सेड कि इट इज़ सो एक्सपेंसिव कि हम उसको इवन इन सऊदी अरेबिया यूज़ नहीं कर सकते उस पानी को फॉर ट्री प्लांटिंग. सो वी हैव टू लुक फॉर अदर वेज. सो आई डोंट थिंक दैट इज़ एन ऑप्शन. बट और ऑप्शन हैं. ये वाटर को कैप्चर करने के हैं, इसको ज़रूरी है वाटर को सेव. कंजर्वेशन के बहुत हैं. ड्रिप इरीगेशन पर हम सब फ्लड इरीगेशन करते हैं, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है टू ड्रिप इरीगेशन. फिर एक बहुत बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान में अगेन इस पर फोकस नहीं होता कि फूड सिक्योरिटी. पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका जो खाना है वो कम होता जा रहा है. अब पिछले साल जब ये फ्लड्स आए 2022 में तो तकरीबन 30% आपका जो एरेबल लैंड था जहाँ पे आप क्रॉप्स उगाते थे वो पानी के नीचे आ गया. वहाँ पे लेक बन गई और अभी भी लेक बनी हुई है. इस साल वहाँ पे क्रॉप्स नहीं हो रही. तो आपके जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन और जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है. और इस इक्वेशन में आपको तो एक एक चीज़ बचाने की ज़रूरत है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक स्टेटिस्टिक मैंने अगेन न्यूयॉर्क में जाके देखे. एक स्टडी थी उसमें ये बताया कि जो पाकिस्तान में वीट उगाई जाती है वो फार्म से प्लेट तक पहुँचते पहुँचते उसका 40% ज़ाया हो जाता है. सो वो 40% हमारी वीट प्रोड्यूस होती है पाकिस्तान में. लेकिन वो कंज्यूमर तक नहीं पहुँचती बिकॉज हमारी स्टोरेज फैसिलिटीज़ आउटडेटेड हैं. कई जगह है ही नहीं. कई जगह वो इतनी बुरी हैं कि वो वहाँ पे करप्शन होती है, वो चूहे खा जाते हैं हर चीज़. और उसको ठीक करना कोई इज़ नॉट रॉकेट साइंस. उसके में आपको वेदर क्लाइमेट कंट्रोल्ड यू नो हर वो उसके साथ टैग लगा के इट्स अ वेरी स्मॉल कॉस्ट टू पे फॉर योर फूड सिक्योरिटी. और हम फिर वो बाहर से मंगाते हैं बहुत महंगी वीट. तो ये सारे होल्स जो हैं ये प्लग करने की ज़रूरत है. और इसके ऊपर जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में ये इक्वेशन बहुत जल्दी चेंज हो रही है. तो पाकिस्तान को नीड्स टू प्लग इन दीज होल्स ताकि ये जो वेस्टेजेस हैं पानी की, फूड की, इनको हम फौरी तौर पे बंद करें, स्टोरेज बढ़ाएं अपनी. एंड देन दैट इज़ गोइंग टू यू नो प्रिपेयर अस टू मीट द क्लाइमेट चेंज. मेक सेंस. एंड डू यू थिंक पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ फूड प्राइसिंग, my thought is, and I'm trying to speak very objectively, but my thought is, as per what I've seen across the world, Pakistan mein food prices are priced lower than what the market price should be, and that is largely driving the lack of innovation in the sector. Jo price controls humne establish kiye hue hain, chahe wo sugar ke ho, chahe wo gandum ka ho, chahe wo iska ho uska ho, they are resulting in वो होता ये है कि जब आपका कोई इंसेंटिव ही नहीं है, मतलब स्टोरेज है ना, अब हम एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट ही स्टोरेज को कुछ फिगर आउट करें. आप अगर मार्केट को प्राइस करने दें एट द रेगुलर वट एवर प्राइस, जो भी उसकी डिमांड सप्लाई है गंदम ने तो कंज्यूमर तक पहुंचना है, बट देयर शुड बी अ हायर प्राइस कमिंग टू द फार्मर सो दैट दे हैव अ मार्जिन एंड एन इंसेंटिव के यार जो मैं गंदम 40% ज़ाया कर रहा हूँ उसको अगर मैं किसी तरह स्टोर कर लूँ तो आई कैन मेक मोर मनी. मोर देन दैट इफ़ आई हैव इनफ मनी और इनफ इंसेंटिव, तो जो मेरी पर एकर यील्ड है जो विच इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द रीजन, मैं उसको अगर बढ़ाऊँ तो मुझे ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है. श्योर आप उसको टैक्स करें, जो कि एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं किया हुआ, बट द इंटायर इकोनॉमिक मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान इज़ ब्रोकन डाउन बिकॉज ऑफ पॉपुलिस्ट नैरेटिव्स लाइक कि भाई हमने इसको कंट्रोल कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया. लोग बेशक भूखे मर रहे हैं लेकिन एक्चुअली उसमें कोई ग्रोथ आ नहीं पा रही क्योंकि वो अगेन वो सोशलिस्ट एरा पॉलिसीज़ हैं विच हैव प्रूवन टू फेल अक्रॉस द वर्ल्ड. वो शायद शॉर्ट टर्म पे आपको एकदम से भी लगे कि ओह माय गॉड फूड इन्फ्लेशन हो गई, बट लॉन्ग टर्म पे आपको सिक्योरिटी नीड्स पूरी करेगी जो कि हम देख रहे हैं. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट?
हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये मार्केट फोर्सेस का जो आप बात कर रहे हैं कि प्राइसिंग, फूड प्राइसेस इन पाकिस्तान कम है, ये एक फैक्ट है. और उसकी अभी एक मैं स्टडी देख रहा था जिसमें उन्होंने फूड इन्फ्लेशन सारी दुनिया में इस वक्त एक प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये कहा कि जो चीपेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर फूड दैट वॉज पाकिस्तान. बट उसको इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ता है कि अगर वो तब एप्लीकेबल है जब आप डॉलरों पाउंडों में कमा रहे हैं तो पाकिस्तान आए तो बड़ा सस्ता लगता है आपको. लेकिन जो पाकिस्तानी बेचारा यहाँ पे रह रहा है और यू नो वी हैव मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, उन्होंने भी तो सर्वाइव करना है ना, उनके लिए वो प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, वो यू नो इट इज़ बियॉन्ड मीन. सो अनलेस आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, यू नो एहसास वॉज वन सच मैकेनिज्म जिसमें आप उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें ताकि वो रैशनल फूड प्राइसिंग को कंज्यूम भी कर सके. आई थिंक वही वाली बात है कि लाइक यू मेंशन के मे बी डीरेगुलेट दैट मार्केट, टैक्स इट, डू वट एवर एंड डू डायरेक्ट कैश सब्सिडीज टू कंज्यूमर्स एज आइडेंटिफाइड बाय लेट्स से समथिंग लाइक दैट इज वन सॉल्यूशन. Right. Amin Saab, I'm going to wrap this up. This was incredibly insightful. We're at the 2-hour, 15-minute mark, one of the longest we've done recently. But aapka wo to depth of knowledge and experience itna zyada tha ki mujhe lagta hai abhi still 2-2.5 ghante mein aur baat kar sakta hu. But thank you so much for coming in and sharing all that insight. One thing I'd like to ask you, generally I ask all of my guests, and if you could share some insight on that. Aap Pakistan mein ya bahar padhne gaye 2 dafa, aapke paas opportunity bhi thi. Obviously, एक तो इंसेंटिव आपका ये था कि जी वापस आना है, पॉलिटिकल फैमिली है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द रूट्स. बट इवन टुडे यू आर स्टिल हियर इन अ वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ फ्रैगमेंटेड डिस्पोंडेंट क्लाइमेट इन पाकिस्तान, नो पन इंटेंडेड. एंड उस टाइम के अंदर आप जो है वो यू आर स्टिल होल्डिंग आउट. एंड उस एनर्जी को अगर आप चैनल करके मुझे बता सकें कि हाउ डू यू सी पाकिस्तान 27 ईयर्स फ्रॉम नाउ, knowing all of what you know now, seeing all of what you can see. इसमें मुझे ना दो चीज़ें मैं जनरली गेस्ट से कहता हूँ कि वो ना करें. एक मुझे यूथ पॉपुलेशन के बारे में ना बताएं, बिकॉज एवरीबडी टेल्स मी देयर इज अ ह्यूज यूथ पॉपुलेशन बट दैट डजंट डू एनीथिंग अनलेस इट्स चैनल प्रॉपर्ली. एंड दूसरा मुझे इफ़ ना करें कि इफ दिस हैपन्स, सो जस्ट सी वॉट यूर सींग अराउंड यू, सी वॉट्स हैपन्ड एंड हाउ थिंग्स हैव इवॉल्वड, एंड गिव मी एन इमेज ऑफ कि अगर आज जिस तरह का पाकिस्तान है ऐसा ही चलता रहे तो 27 साल बाद कैसा पाकिस्तान देख रहे हैं आप. देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह कि मेरा ईमान ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा हमेशा रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह इसने तरक्की करना है और ऊपर जाना है. वी आर गोइंग थ्रू अ लो फेज़ और इसमें ये कोई सलूशन नहीं है कि ऐसे लोग जिनको पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है, यू नो आई बिलोंग टू दैट क्लास जिसको अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है, और इस पाकिस्तान ने अपना जो बेहतरीन वट एवर बेस्ट पाकिस्तान कुड गिव वो पाकिस्तान ने मुझे दिया है. तो मेरे जैसे लोग इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं और बाहर नौकरियां कर लें या नेशनलिटियां ले लें, आई डोंट बिलीव इन दैट. आई हैड वेरियस ऑप्शंस, यू नो एज अ स्टूडेंट इन कनाडा मेरे रूममेट्स थे वो सब नेशनलिटियां ले रहे थे. आई नेवर इवन थॉट अबाउट दैट, और अभी भी मैं कभी ये नहीं सोचा कि इस मुल्क को हमने कहीं छोड़ के जाना है. बल्कि मेरे बच्चे तीनों बाहर पढ़े हैं और तीनों को मैंने वापस बुलाया. मेरे से रोज़ लड़ते हैं कि जी आगे हमने क्या करना है, बिकॉज दे आर यंग, दे डोंट सी द सेम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. बट आई थिंक वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू पाकिस्तान, एंड इफ पीपल आर विलिंग टू डू दैट तो पाकिस्तान हैज़ अ लॉट टू ऑफर. पाकिस्तान में पॉपुलेशन, आपने यूथ की बात की, वो एक इट इज़ अ रियलिटी कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बेस है एंड इट्स अ वेरी वाइब्रेंट पॉपुलेशन बेस. उसको आप थोड़ा सा इंसेंटिव दें तो दे कैन डू वंडर्स. यू नो स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान आर मिराकुलस. यहाँ बाहर से जो लोग आते हैं वो मुझे आके बताते थे कि जी पाकिस्तान में हम सारी दुनिया फिर के आते हैं और स्टार्टअप्स में जब हम देखते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं, एक यूथ पॉपुलेशन एंड सेकेंड इज़ दी काइंड ऑफ दी क्वालिटी ऑफ आइडियाज़ दैट यू कैन प्रोड्यूस. तो उन्होंने कहा जी इन दोनों चीज़ों में पाकिस्तान नंबर वन था. यूथ पॉपुलेशन तो और जगहों पर भी है लेकिन जो क्वालिटी ऑफ आइडियाज़ पाकिस्तान में है वो बाहर में नहीं मिलती. तो उसको थोड़ी सी एक इकोसिस्टम देने की ज़रूरत है फॉर दैट टू गो फॉरवर्ड. इसी तरह एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान अगेन हैज़ ह्यूज पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर. वी आर नॉट डूइंग आर बेस्ट. आई थिंक इसको बेहतर किया जा सकता है और पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाया जा सकता है. वी लिव इन अ रीजन जहाँ पे सारी दुनिया की डेवलपमेंट हो रही है. एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, यू नो एक तरफ GCC है, ये दुनिया यहीं पर डेवलप कर रही है और हम बीच में बैठे हुए हैं.
यू नो वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज़, और पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा, ठीक होगा और एक अजीम मुल्क। आर यू ऑप्टिमिस्टिक टुडे? आई एम ऑप्टिमिस्टिक, यू नो आई फील के इंशाल्लाह पाकिस्तान ऊपर जाने के लिए बना है। चले मलिक अमीन असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, चिलिंग ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपके एपिसोड पसंद आए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट वी डिस्कस्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, गवर्नर स्ट्रक्चर्स वाइज, इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन दैट। इसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी स्पोक अबाउट दिस ऑन द पॉडकास्ट मल्टीपल टाइम्स बिफोर, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कार्बन क्रेडिट्स, वो सारा का सारा कुछ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ऑल ऑफ व्हाट यू हर्ड टुडे, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट। इंडस डेल्टा की जो प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन एंड लिविंग इंडस प्रोजेक्ट, डिड यू गाइस नो अबाउट दिस? अगर नहीं तो आई एम अज्यूमिंग द रिपोर्ट इज समवेयर ऑनलाइन एज वेल, इट शुड बी ऑनलाइन, इट शुड बी ऑनलाइन, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के उस पे होगी, उस पे होगी, सो यू कैन चेक देयर आउट एंड सी यू नो के उनके क्या इनिशिएटिव and what are your thoughts on that. But anyways, YouTube वाले लाइक का बटन दबाएंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों में कन्वर्सेशन पहुंचेगी, ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, यू लाइक टू सपोर्ट द चैनल टू हेल्प अस रिमेन इंडिपेंडेंट, देयर इज अ लिंक डाउन बिलो, यू कैन यूटिलाइज दैट। बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मल हसन ज़ैदी, यू आर वॉचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।